अस्मद्गुरोर् भगवतो सदयैक सिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये माता पिता युवतयस्तनयाभिभूते सर्वं यदेव नियमेन वदन्वयानाम् आदर्शनाकुलपतेर्बकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्गयुगलं प्रणमामि मूर्ध्नाम् भूतं सरस्वमाता भयभट्टनाथ श्रीभक्तिशारकुलशेखरयोगिवाहन् भक्ताङ्गिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्म नित्यम् गुरुमुखमलधीत्या प्राह वेदानशेषान् नरपतिपरिक्लिष्टं शुल्कमादातु काम ससुरममरवन्द्यं रङ्गनाथस्य साक्षात् द्विजकुलतिलकं तं विष्णुचित्तं नमामि अस्मद्देशिकमस्मदीयपरमाचार्यानशेषान् गुरुं श्रीमल्लक्ष्मणयोगिपुङ्गवमहापूर्णो मुनिं यामुनं रामं पद्मविलोचनं मुनिवरं नाथं शठद्वेषिणम् सेने श्रियमिन्दिरा सहचरं नारायणं संश्रये वेदान्तदेशिककटाक्षविविधबोधं कान्तोपयन्तयमिना करुणैकपात्रं वत्सान्नवाय मनवद्धगुणैरुपेतं भक्त्या भजामि प्रतिवादिभयङ्करार्यम् साण्डिल्याभयवंशवारिदविदुं श्रीकोसलेशार्चकं विश्वक्षेन यतीन्द्रदेशिकपदस्वन्दारविन्दाश्रितं स्वाचार्येषु यतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं शक्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे श्रीमत्कश्यपगोत्रलब्धजनुषं विद्याविभूषोन्नतं सशास्त्राणवपारगामविदुषां मान्यं मनोज्ञश्रियं स्वाचार्ये च जगद्गुरो बुधवरे श्रीवासुदेवे रतम् वन्दे वन्दे जगद्गुरुं मुनिवरं श्रीराघवार्यं गुरुं श्रीमते रम्यामात्रमुनीन्द्राय महात्मने श्रीरङ्गवासरे भूयान्नित्यश्रीनित्यमङ्गलं मङ्गलं यतिराजाय श्रीभाष्यामृतदायने शौलभ्यपरिपूर्णाय महापूर्णाय मङ्गलम् मङ्गलं गुरुवर्याय मङ्गलं गुणसिन्धवे भाविभीतिकराय नित्यश्रीनित्यमङ्गलं दयत्यतिराजफणिराजावतारमणि प्रबलपाशन्नतमोहरणभानो विजयी भव। गिरधर तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं पाके बिहारी तेरी आरती गाऊं पाके बिहारी तेरी आरती गाऊं आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं मोर मुकुट माथे पे सोहे मोर मुकुट माथे पे सोहे प्यारी बंसी मुनि मल मोहे प्यारी बंसी मुनि मल मोहे एक छवि मैं तो बलि बलि जाऊं एक
छवी मैं तो बलि बलि जाऊं, आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं, आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से लिपली है गंगा प्यारी, चरणों से लिपली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, उन चरणों को मैं शीश झुकाऊं, उन चरणों को मैं शीश झुकाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं, प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं। आरार्तिक्यं समर्पयामि जलशीतलीकरणं, आरार्तिक्यग्रहणं पुष्पै देवाभिवन्दनं, हरिः ॐ। यत्नेन यत्नमयजन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेह नाकं महिमानः, सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ॐ महादेवे च विद्महे विष्णुपत्ने च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणि यथाकालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर, मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीपुराण पुरुषोत्तमाय नमः, श्रीकृष्णचंद्राय नमः। भोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री भाष्यकार रामानुस्वामी जी महाराज की जय, श्री मज्जगद्गुरु स्वामी जी महाराज की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए श्री सीताराम चंद्र भगवान की जय।
आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप सभी अपने यथास्थान यथास्थान बैठ करके हमारे भगवत पाद पूज्य श्री रामानुजाचार्य डॉक्टर राघवाचार्य जी महाराज, जो कि प्रतिवाद भयंकर मठ रामानुज संप्रदाय से हैं और अयोध्या के कोसलेश सदन की जो गुरु शिष्य परंपरा है उसको चरितार्थ करने वाले राम कथा और भागवत कथा के दैदीप्यमान नक्षत्र और श्रेष्ठ वक्ता, यद्यपि भागवत वक्ताओं की इस समय कमी नहीं है, परंतु जो भागवत कथा कहने का जो विधि है, कालक्षेप विधि है, वह पूज्यपाद स्वामी जी जिस विधि से कहते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि जो आनंद श्री शौनकादि ऋषियों को नैमी शरण में आया है, वही आनंद आज हम सभी को श्री स्वामी जी महाराज की कथा से आने वाला है। बोलिए श्री स्वामी जी सरकार की। रामचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रीमद्भागवत ज्ञान यज्ञ की जय। श्री नैमिषारण्य तीर्थ की जय। गोमती गंगा की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। श्री सूत जी महाराज की जय। श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय सीताधीश्याम हरि वो। तच्छंजोरा वृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे सं चतुष्पदे सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वमिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं
पराशरात्मजं वंदे शुकतातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः अचतुर्वदनो ब्रह्मा दिवाहुरपरो हरिः अभालोचनशंभुर्भगवान् बादरायणः यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे ऋक्यजुस्सामरूपाय वेदाहरणकर्मणि प्रणवोद्गीतवपुषे महास्वशिरसे नमः लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरं पराम् यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुक्मरुक्मव्यामो हतस्तदितराणि तृणायमेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये शाण्डिल्याह्वयवं सवारिदविधुं श्रीकोसलेशार्चकम् विश्वक्सेन यतीन्द्रदेशिकपदद्वन्द्वारविन्दाश्रितं स्वाचार्ये सुयतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं सक्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः श्रीमते श्रीभाष्यकाराय नमः श्रीपराङ्कुशपरकालयतिवरवरवरप्रतिवादिभीकरगुरुभ्यो नमः श्रीजानकीकान्तस्मरणं श्रीराधाकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्यासहायाः बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय श्री राधा कृष्ण भगवान की जय श्री नैमिषारण्य तीर्थ की जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय श्री वेदव्यास भगवान की जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय श्री सूत जी महाराज की जय श्री भाष्यकार रामानुस्वामी जी महाराज की सब संतन की सब भक्तन की जय जय श्री राधे श्याम। भगवान सच्चिदानंद पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि की मंगलमयी कथा सुधा श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से हम सभी लोग श्रवण करें उसके पूर्व कथा की मर्यादा के अनुकूल अपने अंतःकरण को पवित्र करने के लिए श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा को सुनने और सुनाने की योग्यता प्राप्त करने के लिए भगवान के मंगलमय नाम का श्रद्धा भक्ति के साथ संकीर्तन कर लें, पश्चात अपनी गति और मति के अनुकूल समय और परिस्थिति के अनुकूल भगवान के मंगलमय चरित्र का हम सभी लोग आस्वादन करेंगे। मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि
बोल प्यारे हरि हरि बोल, हरि हरि बोल प्यारे हरि हरि बोल, हरि हरि बोल प्यारे हरि हरि बोल, हरि हरि बोल प्यारे हरि हरि बोल। गोविंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि, गोविंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, गोविंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, गोविंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, हरि हरि बोल प्यारे 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 हरि हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, हरि हरि बोल प्यारे 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 हरि हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, हरि हरि बोल प्यारे 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 हरि हरि बोल,
सर्वेश्वरेश्वर पुराण पुरुषोत्तम भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री कृष्णचंद्र एवं इस कथा के मुख्य यजमान श्री राकेश तिवारी जी, जो कि इलाहाबाद उच्चतम न्यायालय में अधिवक्ता हैं, उनकी वंदनीय माता जी, जिनके सत्संकल्प से, जिनकी प्रेरणा से ये कथा का कार्यक्रम आज से लगभग 8 महीने पूर्व निर्धारित हुआ है और आज नैमिषारण्य की पावन धरा पर यह कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। उनके परिवार के समस्त सदस्यगण तथा दूर दूर से आए हुए दिल्ली, हैदराबाद, गुजरात, बिहार, पटना, अनेकानेक स्थानों से आए हुए समस्त यजमान बंधु, सुधी श्रोताजन एवं श्रीमद्भागवत महापुराण के मूल पारायण में सन्नद्ध अनेकानेक तीर्थों से आए हुए समस्त आचार्य एवं विप्रगण, मंच पर विराजमान परम श्रद्धेय श्री रंगम से पधारे श्री स्वामी माधवाचार्य जी महाराज एवं अयोध्या से पधारे श्री स्वामी दामोदराचार्य जी महाराज, दिव्यांशु स्वामी, जिनके माध्यम से श्रीमद्भागवत महापुराण का मूल पारायण प्रातःकालीन सत्र में इस मंच से हुआ, ऐसे परम सुधी प्रपन्न भागवत हमारे श्री रजत जी, जो कि वृंदावन से पधारे, इनका कंठस्वर आपने सुना ही होगा, ऐसा अद्भुत श्लोकों का पारायण करते हैं। अयोध्या से पधारे हमारे आचार्य श्री रामदेव शास्त्री जी, जो कि व्याकरण शास्त्र के पंडित हैं, अनेक ग्रंथों का आपने लेखन किया है, संप्रति अयोध्या महात्म्य का संपादन कार्य हमारे आपके संयुक्त प्रयास से चल रहा है, एवं समस्त सुधी श्रोतागण, धर्मानुरागी सज्जन, आज इस पवित्र तीर्थ नैमिषारण्य में भाद्रपद मास में और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर श्री कृष्ण कथा को श्रवण करने के लिए हम सभी लोग समुत्सुक हैं। ये पवित्र महीना भाद्रपद है। भाद्रपद का मतलब भद्रम ददातीति भाद्र, जो कल्याण प्रद हो उसी को भाद्र कहते हैं। और भाद्र पद क्या है? बोले कल्याण प्रदान करने वाला एक ही पद है, जो भगवान का चरणारविंद है। तद् विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः, वही भाद्र पद है। और ऐसे भाद्र पद कल्याण प्रद भगवान के जो पद हैं, पादारविंद हैं, उन पादारविंदों से निश्चिंदित होने वाली जो सुधा है, तवामृतस्यन्दिनी पाद पंकजे, उस सुधा का पान ही भक्ति है और वही हमें प्राणित करती है, वही हमें चैतन्यता प्रदान करती है। इसीलिए कहते हैं कि जिसके जीवन में भगवान की भक्ति नहीं है, वो प्राणी चैतन्य नहीं है, वो मुर्दा है।
लोगों ने कीर्तन किया, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि। केशव भगवान का एक नाम है और संत जन कहते हैं कि केशवाह, प्रश्न किया केशवाह, मुर्दे कितने हैं दुनिया में, तो उत्तर दिया केशव भक्ति हीनाः, भगवान केशव की भक्ति से जो हीन है वही मुर्दे हैं। केशवाह केशव भक्ति हीनाः, भगवान की भक्ति से हीन प्राणी मुर्दा है। वो चाहे जितना काम कर ले, चाहे जितना नाम कर ले, लेकिन वो मुर्दा ही है। ऐसे तो कई प्रकार के मुर्दों का वर्णन हमारे आचार्यों ने किया है, चलते फिरते भी मुर्दे होते हैं, उनको भूत ही समझो, जैसे भूत मर जाने के बाद भी चलते फिरते दिखते हैं, उसी प्रकार कुछ मुर्दे ऐसे होते हैं जो चलते फिरते रहते हैं, लेकिन उनको मुर्दा ही माना गया शास्त्र, वो मृत है। और ऐसे की कई संख्या है महाराज, 14 तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने गिना दिया। कौल काम बस कृपिन बिमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी, तन पोषक निंदित अघ खानी, और जीवित सव सम 14 प्राणी। ये 14 प्राणी जिंदा ही मुर्दा है। अब इस 14 का सार अगर निकाला जाए कि भाई 14 को हम समझें अलग अलग, कि 14 प्रकार के प्राणी जिंदा ही मुर्दा होते हैं, उसमें से हम हैं कि नहीं, तो ज्यादा समीक्षा करने की जरूरत नहीं है। ये 14 प्रकार के मुर्दे एक ही पंक्ति में व्याख्यायित हो जाते हैं। वो पंक्ति क्या है, बोले केशवा केशव भक्ति हीनाः, भगवान की भक्ति से हीन जो है वो सब मुर्दे। वो 14 प्रकार जो है उसमें भी भक्ति की हीनता ही मूल रूप से। अगर भक्ति होगी तो वो कौल नहीं होगा, भक्ति होगी तो काम नहीं होगा, भक्ति होगी तो कृपण नहीं होगा, भक्ति होगी तो वो विमूढ़ नहीं होगा। तो कौल काम बस कृपण विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी, तन पोषक निंदित अघ खानी, जीवित सौ सम 14 प्राणी। ये 14 प्रकार के प्राणी जिंदे ही मुर्दा हैं, क्योंकि इनके जीवन में भगवान की भक्ति नहीं। और हमारे जीवन में भक्ति प्राप्त हो, भक्ति आवे, इसका उपाय हमें ही ढूंढना होगा। भगवान की भक्ति हमारे जीवन में संचरित हो, इसका यही उपाय है कि हम भगवान के चरित्र को श्रवण करें, भगवान की पावन कथा को हम श्रवण करें। और आज नैमिषारण्य की इस पावन भूमि पर हम आप भगवान की कथा को सुनने और सुनाने के लिए समुत्सुक हैं। ये भूमि बड़ी दिव्य है महाराज, ये साधारण भूमि नहीं है। समस्त तीर्थों में श्रेष्ठ तीर्थ है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि तीर्थ बर नैमिष विख्यात, अति पुनीत साधक सिद्धि दाता, साधकों को सिद्धि प्रदान करने वाला ये पुनीत तीर्थ है और तीर्थों में श्रेष्ठ है। इसी तीर्थ की महिमा है कि इस तीर्थ में आकर के मनु और सतरूपा को सिद्धि की प्राप्ति हुई और उसका परिणाम कि अयोध्या में 4-4 रूपों में भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। कृत्वात्मानं चतुर्विधं, स्वयंभू मनु और सतरूपा ने यहीं पर आकर के तप किया और तपस्या की सिद्धि प्राप्त होने पर भगवान ने वचन दिया कि होई हूं अवध भुवाल, तब मैं होब तुम्हार सुत, जब आप अयोध्या के राजा बनेंगे तब मैं आपका बेटा बनूंगा। भगवान ने वचन दिया। अयोध्या का भी बड़ा महत्व है महाराज, अयोध्या की बात आ जाए तो अयोध्यावासी कुछ न कुछ तो कहेगा ही। भगवान ने कहा कि देखो आपने तपस्या की है, नैमिषारण्य में तप किया है, सिद्धि भी प्राप्त हो गई, मैं वचन भी देता हूं कि आपका बेटा बनूंगा, लेकिन कब, बोले जब अयोध्या के राजा बनोगे तब, दिल्ली के राजा बनो, दौलताबाद के राजा बनो, तब हम आपके बेटा नहीं बनेंगे। अयोध्या के राजा में ये
गुण है जो अयोध्या का राजा बनेगा, ऐसे राजा को भगवान भी अपना बाप बनाना चाहते हैं। ये अयोध्या की पितरम रोचयामास तदा दशरथम नृपम। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि पिता बनाने के लिए भगवान ने रुचि अपनी पहले ही व्यक्त कर दी। यूं अवध भुवाल, जब आप अयोध्या के राजा बनेंगे तब मैं आपका बेटा बनूंगा, ये मेरी भी शर्त होगी। तो पहले आप अयोध्या के राजा बने। तो ये पावन भूमि, जिस भूमि पर स्वयंभू मनु और शत्रुपा को भगवान ने पुत्र रूप में प्राप्त होने का वचन दिया, और स्वयंभू मनु शत्रुपा को अयोध्या में भगवान का दर्शन तो बाद में हुआ, पहले यही दर्शन हुआ। दूसरी बात, ये पवित्र तीर्थ नैमिषारण्य ये कथा की भूमि है। यहां की भूमि ने जितनी कथा सुनी है, दुनिया की किसी भूमि ने इतनी कथा नहीं सुनी। श्री सूत जी महाराज ने 18 पुराण की कथा यहां सुनाई। सारी कथाओं की शुरुआत यहीं से हुई, ये कथा की भूमि। सबसे छोटी कथा जो 1 घंटे में हो जाती है, श्री सत्यनारायण भगवान की कथा, उसका भी वर्णन यहीं से होता है। एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः। नैमिषारण्य से ही सत्यनारायण कथा का विस्तार। श्रीमद्भागवत महापुराण में तो आपने सुना ही है, भागवत से कोई अपरिचित नहीं है। वर्तमान समय में श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा से सभी परिचित हैं, क्योंकि वर्तमान समय में सर्वत्र कथाओं का अनुष्ठान होता रहता है। तो भागवत की कथा भी सूत जी महाराज ने नैमिषारण्य में सुनाई, और भी पुराणों की कथा। श्री राम कथा भी लव और कुश ने इसी पावन भूमि में सुनाई। भगवान श्री राम का यहीं पर अश्वमेध यज्ञ चल रहा था। यहीं पास में एक घाट है जिसका नाम अश्वमेध घाट है, गोमती के तट पर। उसका नाम अश्वमेध घाट इसीलिए है कि यहीं पर राम जी ने अश्वमेध यज्ञ किया था। ऐसे तो राम जी ने अनेक अश्वमेध यज्ञ किए। कोटिन बाज मेध प्रभु कीने, कोटि का अर्थ करोड़ होता है। करोड़ों अश्वमेध यज्ञ राम जी ने किया, ऐसा पंक्ति का अर्थ हो जाता है, कोटिन बाज मेध प्रभु कीने। लेकिन यहां पर कोटि का मतलब अनेक, क्योंकि करोड़ अश्वमेध यज्ञ का प्रश्न नहीं है। कारण बोले, एक अश्वमेध यज्ञ करने में 1 वर्ष लगता है, तो राम जी अगर 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ करें तो 1 करोड़ वर्ष लगेगा, और 1 करोड़ वर्ष अगर लगता है तो ये संभव कैसे है, क्योंकि 11,000 वर्ष ही भगवान ने राज्य किया। तो कोटि का तात्पर्य अनेक। तो अनेक अश्वमेध यज्ञ भगवान श्री राम ने किया, जिसमें एक यज्ञ भगवान का यहां भी हुआ, और इस यज्ञ में कुश और लव ने राम कथा सुनाई, और राम कथा का विस्तार प्रस्तार इसी पावन भूमि से हुआ। और तीसरी बात ये कि इसी पावन भूमि में श्री सीता जी समाहित हुए। जनकपुर में भूमिजा प्रकट हुई, और भूमि से प्रकट होकर, जनकपुर की भूमि में प्रकट होकर नैमिषारण्य की भूमि में आकर के सीता जी ने प्रवेश किया। राम जी के अश्वमेध यज्ञ में महर्षि वाल्मीकि जब पधारे तो यहीं पर सीता जी ने अपनी पवित्रता का संकल्प किया कि मैं परम पवित्र हूं, मेरे ऊपर जो लोग संदेह करते हैं उनका संदेह गलत है, और विश्वास दिलाने के लिए मैं शपथ लेती हूं। और सीता जी ने यही शपथ किया कि मन वचन कर्म से मैंने एकमात्र रघुनंदन के चरण में अगर प्रेम किया तो इस सत्य के प्रभाव से हे माधवी देवी तुम मुझे मार्ग प्रदान करो। तदा मे माधवीं देवीं विवरम दातुमर्हसि, हे माधवी देवी आप मुझे विवर प्रदान करो। इतना कहते ही पृथ्वी फट गई,
और श्री जानकी जी भूमि में समाहित हुए। तो अगर जनकपुर की भूमि इतनी पवित्र है कि वहां सीता जी उत्पन्न हुई, तो यह भी भूमि साधारण नहीं है, इसी भूमि में वो विराजमान हो गए। भक्ति स्वरूपा श्री जानकी जी यहीं आकर के भूमि में प्रवेश को प्राप्त करती हैं, ऐसी ये पावन भूमि है। और दूसरी बात, ये भक्त को भगवान से मिला देने वाली भूमि। यहां पर स्वयंभू मनु और शत्रुपा भगवान से मिलने के लिए आए और उन्हें भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ। इस भूमि ने स्वयंभू मनु को भगवान से मिलाया। लवकुश ने यहीं पर कथा सुनाई, उनको उनके बिछड़े हुए बाप मिल गए, उनके पिता मिल गए, बाप बेटे को मिला दिया इस पावन भूमि ने। लवकुश ने यहां पर कथा सुनाई और जिसकी कथा सुनाई लवकुश ने, उस कथा के नायक उस कथावाचक को प्राप्त हो गए। इस भाव को सोचकर कभी कभी मन में होता है कि भले लवकुश जैसी योग्यता हमारे अंदर न हो, लेकिन धंधा तो वही हम भी कर रहे हैं। तो जिस प्रकार एक कथावाचक को उसके आराध्य से इस भूमि ने मिला दिया, उसी प्रकार सभी कथाकारों को ये भूमि उनके आराध्य से मिला दे, ऐसी भावना रखनी है। ये पावन भूमि नैमिषारण्य, ये जंगल ही भगवान का स्वरूप है। और अष्ट वैकुंठ में एक वैकुंठ भी है। पृथ्वी पर आठ वैकुंठ का वर्णन है, जिसमें चार दक्षिण में है और चार उत्तर भारत में। उन आठ वैकुंठों में एक वैकुंठ है नैमिषारण्य। नैमिषारण्य मुक्तिनारायण, बद्रीनाथ और पुष्कर, ये चार उत्तर भारत के वैकुंठ। और दक्षिण में श्रीरंगम, श्रीमुष्टम, तोताद्रि और वेंकटाद्रि, ये आठ अष्टभू वैकुंठ हैं। उन अष्टभू वैकुंठों में एक वैकुंठ नैमिषारण्य है। और यहां पर भगवान अरण्य के रूप में, अन्य तीर्थों में तो भगवान के भिन्न भिन्न रूप हैं, अयोध्या में भगवान रघुनंदन के रूप में, और अन्य ग्रंथों का प्रमाण लिया जाए तो सरयू जी के रूप में, वृंदावन में ठाकुर कन्हैया कृष्ण रूप में, नंद नंदन के रूप में, मुक्ति नारायण में पहाड़ के रूप में, शालिग्राम के रूप में, लेकिन नैमिषारण्य में बोले यहां पर भगवान जंगल के रूप में। ये जितना जंगल है, यहां जितने पेड़ हैं, सब भगवान है। यहां के वृक्ष ही भगवत स्वरूप है, यहां के वृक्ष को ही भगवत स्वरूप माना, और यहां का अरण्य ही भगवान का स्वरूप है। तो ऐसी पावन भूमि में, ऐसी पवित्र भूमि में, नैमिषारण्य में कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए हम सभी लोग समुत्सुक हैं। ये भगवान की महती कृपा है। श्रीमद् भागवत महापुराण वेद व्यास जी की समस्त रचनाओं में सर्वोत्तम कृति है और अंतिम कृति है। इसके बाद श्री वेद व्यास जी ने फिर कुछ नहीं लिखा, उन्होंने अपनी पवित्र लेखनी को विराम दिया। इसीलिए श्रीमद् भागवत महापुराण को वेदांत का दर्जा प्राप्त है। ये वेदांत है। वेदांत क्यों है? जैसे वेद का अंतिम भाग वेदांत होता है, तो वेद ही इतिहास और पुराण के रूप में व्याख्यायित तो हुआ। इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपब्रह्मये, तो इतिहास पुराण के रूप में वेद का समुपब्रह्मण करने वाले वेद व्यास जी महाराज, वेद को ही इतिहास पुराण के रूप में व्याख्यायित किया। तो वेद को जब इतिहास पुराण के रूप में व्याख्यायित कर दिया, तो वेद के अंतिम भाग का जब व्याख्यायित करने का समय आया, तो श्रीमद् भागवत के रूप में अंतिम व्याख्यान दिया। तो जैसे वेदांत वेद का अंतिम भाग है, उसी प्रकार वेद की व्याख्या जो इतिहास पुराण है, उसका अंतिम पर्व
श्रीमद् भागवत महापुराण, क्योंकि इसके बाद वेदव्यास जी ने फिर कोई व्याख्या नहीं। तो यही वेदांत है, सर्व वेदांत सारम ही श्रीमद् भागवत उपनिषद्। सब वेदांत का ये सार है। वेदांत बड़ा कठिन है, वेदांत की बड़ी बड़ी कोटियां हैं, वो वेदांती जानते हैं। भले वेदांत कोई पढ़ ले परिश्रम करके, लेकिन वेदांत बड़े देर से समझ में आता है। देर से समझ में कब आता है? बोले ज्यादा बात तो नहीं कहेंगे, लेकिन इतना ही समझो कि जवानी में कितना भी वेदांत पढ़ लो, लेकिन जब असली वेदांती होता है व्यक्ति, जब मुंह के दांत टूट जाते हैं वेदांती होता है, तभी वेदांत समझ में आता है, तभी वेदांत कायदे से समझ में आता है। वेदांत का मतलब क्या है? वेदांत का मतलब वेद माने ज्ञान, समस्त ज्ञान का अंत भगवान में पर्यवसान को प्राप्त होता है। संसार से वैराग्य हो, मोह की निवृत्ति हो, ईश्वर तत्व का बोध हो जाए और संसार से विरक्ति हो जाए, यही तो वेदांत है। और इसका बोध तभी होता है जब मुंह से सारे दांत निकल जाते हैं, वो अवस्था आती है, तभी वेदांत समझ में आता है धीरे धीरे, क्योंकि अब जाना है। तो लेकिन ये वेदांत श्रीमद् भागवत महापुराण जो है व्याख्यान वेदव्यास जी का, जो वेदांत का ही व्याख्यान है, ये वेदांत अगर प्रेम पूर्वक श्रवण किया जाए तो बड़ी सरलता से और सहजता से अवगत हो जाता है और समझ में आ जाता है। इसीलिए बड़े बड़े महापुरुषों ने भगवान की पावन कथा का आश्रय लिया। श्रीमद् भागवत महापुराण 18,000 श्लोकों में निबद्ध, 12 स्कंद, 335 अध्याय और अनेक अनेक कथा और विलक्षण उपाख्यानों से संयुक्त ये भगवत स्वरूप ग्रंथ है। ये ग्रंथ ही भगवान है ऐसी भावना रखनी चाहिए, ऐसा ही है, साक्षात भगवत स्वरूप ये ग्रंथ है, यही भावना अपने हृदय में दृढ़ करनी चाहिए। वेदव्यास जी कहते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान की वांग्मयी मूर्ति है, तेने अम्बांगमयी मूर्ति ही प्रत्यक्षा वर्तते हरि। भगवान श्री हरि की शब्दमयी वांग्मयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतारणवम, भगवान श्री कृष्ण ने जब अपनी ज्योति को तिरोहित किया तो श्रीमद् भागवत महापुराण में ही अपने तेज को प्रतिष्ठित कर लिया। श्रीमद् भागवत महापुराण साक्षात भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप और वेदांत का सार और भक्ति का प्रतिपादन करने वाला, परम धर्म का प्रतिपादन करने वाला ये ग्रंथ। परम धर्म क्या है? बोले अन्य पुराणों में, स्मृतियों में जो धर्म का निरूपण है वो धर्म है, और उन समस्त धर्मों का जो फल है वही परम धर्म है। और समस्त धर्मों का फल क्या है? बोले समस्त धर्मों का फल भगवान के चरणों की भक्ति है। धर्मस्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेद् यदि रतिम श्रम एव हि केवलम्। वेदव्यास जी कहते हैं कि खूब धर्मानुष्ठान कर लो, यज्ञ यागादि तप तीर्थादि सारे अनुष्ठान जीवन में करो, लेकिन भगवान के चरणों की भक्ति नहीं आई, भगवान की कथा से प्रेम नहीं हुआ, भगवान की कथा तुम्हें अच्छी नहीं लगती, भगवान की कथा सुनने का मन नहीं करता, तो समझ लेना कि तुम्हारा जितना धर्म कर्म है सब व्यर्थ हो गया, उसका कोई परिणाम नहीं हुआ, तुमने केवल श्रम किया। नोत्पादयेद् यदि रतिम, भगवान की कथा में अगर रति उत्पन्न नहीं हुई तो श्रम एव हि केवलम, तुमने केवल परिश्रम किया, बस उसका वास्तविक फल नहीं मिला। तो समस्त धर्म कर्म जो हैं उसका जो फल है भगवान के चरणों की भक्ति, भगवान की कथा में अनुराग, और यही परम धर्म है। इसी को परम धर्म के रूप में अनुभव किया। आज से लगभग 5,100 कुछ वर्ष पूर्व इसी पावन धरा पर
88,000 शौनकादि मुनि एकत्रित हुए और उन मुनियों ने परम पौराणिक श्री सूत जी महाराज से जिज्ञासा की और उनकी जिज्ञासा का उत्तर देते हुए श्री सूत जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाई। श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा का वर्णन करते हुए श्री वेदव्यास जी महाराज कहते हैं, सबसे पहले भगवान को प्रणाम किया वेदव्यास जी ने। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान जो सच्चिदानंद स्वरूप हैं उनको मैं प्रणाम करता हूं। सच्चिदानंद रूपाय, सतचित आनंद ही जिनका स्वरूप है। स्वरूप और रूप में अंतर होता है। रूप तो अनेक हो सकते हैं लेकिन स्वरूप एक ही होता है। भगवान के रूप अनेक हैं, कितने रूप में भगवान प्रकट हो जाएं, कितने रूप उनके हैं भी, और उनका स्वरूप, बोले स्वरूप तो सच्चिदानंद है, सतचित आनंद। इसीलिए अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, अनेक रूप में होते हुए भी स्वरूप से भगवान सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद रूपाय, सतचित आनंद जिनका स्वरूप है। सत माने अनंत सत्ता, चित माने अनंत ज्ञान, और आनंद का मतलब अनंत आनंद। अनंत सत्ता, अनंत ज्ञान और अनंत आनंद के जो अधिष्ठान हैं वे भगवान सच्चिदानंद। सच्चिदानंद रूपाय, और अब उनके दूसरे स्वरूप रूप का वर्णन करते हुए कहते हैं, देखो पहले तो स्वरूप बताया सच्चिदानंद रूपाय, ये भगवान का स्वरूप। अब उस स्वरूप में जो कर्तृत्व है, कर्तृत्व बिना ज्ञान के नहीं होता। कोई भी कार्य करने के लिए ज्ञान की अपेक्षा होता है। एक बढ़ई लकड़ी की मेज बनावे तो पहले उसे ज्ञान होना चाहिए, उसके मन में कल्पना हो मेज कैसी होती, लकड़ी क्या है, ये कैसे बनेगी, कितनी देर तक हम बसुला चलावें तब ये लकड़ी तैयार होगी, और कहां पे रुकना है, कितने बार बसुला चलाने के बाद रुकना है, ये सब ज्ञान जब होगा तभी वो बना पाएगा। नहीं तो बसुला भी उठा लिया, लकड़ी छीलने भी लगा और छीलता रहे रुके ही ना, तो क्या होगा, बोले लकड़ी ये खत्म हो जाएगी, कट कर बनेगा ना। तो किसी भी कार्य के कर्तृत्व में एक व्यवस्थित ज्ञान की अपेक्षा होती है। तो अनंत अनंत ब्रह्मांड का सृजन पालन संहार भगवान करते हैं, उसके मूल में भगवान का अनंत ज्ञान क्रियाशील होता है। भगवान हर क्षण अनंत अनंत ब्रह्मांड के, अनंत अनंत जीवों के, अनंत अनंत जन्मों के, अनंत अनंत कर्मों को, उन अनंत अनंत कर्मों के अनंत अनंत फल को प्रतिक्षण प्रत्यक्ष अनुभव करते रहते हैं। यही भगवान का विलक्षण ज्ञान है। और वे भगवान समस्त सृष्टि के उत्पत्ति पालन और संहार के हेतु हैं, विश्वोत्पत्त्यादि हेतु। यही हेतु वेदांत में कहा गया। वेदांत में भी ब्रह्म का निरूपण करते हुए वेदव्यास जी ने कहा, जन्माद्यस्य यतः, यही सूत्र ब्रह्म सूत्र में दूसरा सूत्र है। जब ब्रह्म की जिज्ञासा हुई कि ब्रह्म कौन, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, तो दूसरे सूत्र में वेदव्यास जी ने उत्तर दिया, जन्माद्यस्य यतः, जिससे संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति पालन संहार होता है, वे कारणभूत तत्व जो है वही ब्रह्म है। तो वेदांत के इस दूसरे सूत्र से ही श्रीमद् भागवत महापुराण भी प्रारंभ होता है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट्। तो जन्माद्यस्य यतः, यही विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे,
संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति और पालन के जो हेतु हैं, और वे भगवान केवल सृष्टि के पालन संहार के हेतु मात्र ही नहीं है, अपितु वे भक्त वत्सल हैं, करुणा वरुणालय हैं, और वे अपने भक्तों के दुख में दुखी होकर, देखो भगवान का कोई दुख नहीं है, लेकिन भगवान अपने भक्तों के दुख से ही दुखी होते हैं और भक्तों के सुख से ही सुखी होते हैं। जब भक्तों के दुख को देखकर भगवान से रहा नहीं जाता तो भगवान उन भक्तों के दुख को दूर कर देते, तापत्रय विनाशा, यही भगवान का वात्सल्य है। हमारे आचार्यों ने कहा है, कल ही मैं क्षमा षोडशी का अनुसंधान कर रहा था अयोध्या में, हम थे हमारे दिव्यांश वेदांती जी, माधव स्वामी जी, तो क्षमा षोडशी में श्री पराशर भट्टर स्वामी जी महाराज अनुभव करते हैं कि हे प्रभु, भाव मैं कहूंगा जो वहां पर आचार्य चरण ने कहा कि हे प्रभु, मैं बहुत बड़ा पापी हूं, ये मैं स्वीकार करता हूं, और उन पापों का दंड मुझे मिलेगा, परिपाक के रूप में उन पापों का भोग मुझे भोगना पड़ेगा, मैं वो भी भोगने को तैयार हूं, मुझे आपत्ति नहीं है, क्योंकि आज मेरे लिए कुछ नया नहीं है। अभूतपूर्वम मम भाव किम वा, जो यमुनाचार्य स्वामी जी कहते हैं कि अभूतपूर्वम मम भाव किम वा सर्वम सहे मे सहजम ही दुखम, कोई ऐसा पाप नहीं है जो पाप हमने न किया हो। क्यों? बोले जितने प्रकार के पाप हैं कभी न कभी हम लोगों ने जरूर किया है, क्योंकि अनंत काल से सृष्टि में जन्म ले रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं, तो अनंत काल से जन्म पाकर मर कर फिर पैदा होकर कितने कर्म किए, उन कर्मों में कोई ऐसा पाप कर्म बाकी नहीं होगा जो हमने आपने न किया हो, क्योंकि पाप ही करते रहे आज तक, अच्छा किए होते तो फिर संसार में क्यों रहते, भगवान के चरणों में जाते। इसका मतलब अनेक जन्मों में हमने जो पाप किया और उन पापों का परिणाम भी भोगते रहे। अभूतपूर्वम मम भाव किम वा सर्वम सहे में, उन सब पापों के परिणाम को भी हमने सहा, तो अब पाप के परिणाम दुख को सहन करने की आदत पड़ गई है हर आत्मा को, हमको आपको, कोई भी दुख आवे व्यक्ति झेल लेता है, चाहे रो के चाहे गा करके, ज्यादा होगा तो मर जाएगा फिर जन्म लेगा, आत्मा थोड़ी मरेगी, लेकिन भोग तो लेता है, न भोगता तो अनादिकाल से हमारी सत्ता क्यों होती। तो हमारे आचार्य कहते हैं कि भाई पाप हमने अनेक जन्मों में किया और उन पापों का परिणाम भी भोगा, आगे भी भोग लेंगे, लेकिन हे प्रभु जब हम पाप भोगेंगे, मेरे पापों का परिपाक होगा, तो जब मैं तड़प तड़प करके अपने पाप को भोगूंगा तो मेरी उस दशा को देख करके आपके हृदय में पीड़ा होगा, क्योंकि आप अत्यंत दयालु हो, आपको बड़ी पीड़ा होगी और मैं नहीं चाहता कि आपको पीड़ा हो, क्योंकि आपकी पीड़ा मुझसे नहीं देखी जाएगी। तो भगवान ने कहा, कहना क्या चाहते हो? भक्त बड़े चतुर होते हैं, भक्त ने कहा, महाराज यही कहना चाहते हैं कि आपको पीड़ा न हो, इसलिए मेरे पापों को आप क्षमा कर दीजिए, आप क्षमा कर दीजिए मुझे, क्योंकि इन पापों को मैं अगर भोगूंगा तो मेरी यातना को देखकर, मेरी पीड़ा को देखकर के आपका हृदय पीड़ित होगा, और आपको पीड़ा हो इसकी मुझे चिंता है, मुझे अपने पीड़ा की चिंता, क्योंकि हम तो अनेक काल से भुगते चले आ। तो ये भगवान की भक्तवत्सलता है, इसीलिए कहते हैं तापत्रय विनाशाय, भगवान अपने भक्तों के दुख को देखकर उनके तापत्रय को, दैहिक दैविक भौतिक ताप को मिटा देने वाले हैं, तापत्रय विनाशाय, ऐसे भगवान, बोले अभी तक नाम नहीं लिया भगवान का, ऐसे भगवान कौन? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, बोले ये सब विशेषताएं बताई गई भगवान की, अब इन विशेषताओं से विशिष्ट विशिष्टाद्वैत तत्व कौन है? बोले वो विशिष्टाद्वैत तत्व कौन है? कोई कहता महाराज ब्रह्म परमात्मा निर्गुण है, कोई कहता सगुण है, कोई कहता है सूर्य ब्रह्म है, कोई कहता है वरुण ब्रह्म है, कोई कहता शिव ब्रह्म है, कोई कहता शक्ति ब्रह्म है,
वेदव्यास जी कहते हैं सच्चिदानंद स्वरूप विश्व की उत्पत्ति और पालन के हेतु और तीनों प्रकार के तापों को दूर कर देने वाले जो पर ब्रह्म परमात्मा हैं वो श्री कृष्ण हैं। श्री कृष्णाय भयं नमः। ये ब्रह्म का निर्णय हो गया, ब्रह्म कौन है। ब्रह्म तत्व के विषय में अगर किसी को विचिकित्सा हो, विप्रतिपत्ति हो, किसी प्रकार की आपत्ति हो, तो उस आपत्ति का इस श्लोक ने निराकरण कर दिया। ब्रह्म के विषय में संदेह त्याग दो, ब्रह्म तो कृष्ण है, निर्णय हो गया। वेदांत पढ़ने की जरूरत नहीं, बहुत वेदांत में जाकर के वो सब समीक्षा जो की गई उन समीक्षाओं को पढ़ने की जरूरत नहीं, एक ही बार में वेद व्यास जी ने कह दिया वो ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण है। और वो कृष्ण स्त्री से युक्त है, ऐसे कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। बोले केवल कृष्ण को प्रणाम करते हैं, बोले केवल कृष्ण को नहीं, राधा जी के सहित कृष्ण को प्रणाम करते हैं। स्त्री तत्व के बिना अगर परमात्म तत्व की उपासना की जाए, प्रणाम भी किया जाए, ध्यान भी किया जाए, तो वह प्राणी पातकी होता है। कहते हैं गौर तेजो विनायस्तु श्याम तेजस समर्चयेत जपेद वा ध्यायते वापी स भवेत पातकी शिवे। श्याम तेज को केवल प्रणाम करें, श्याम तेज का ध्यान करें, गौर तेज जो श्री जी हैं राधा रानी श्री रुक्मिणी श्री जानकी जी श्री लक्ष्मी जी, इन गौर तेज को छोड़कर केवल श्याम तेज श्याम तत्व की हम वंदना आराधना करें, तो भगवान शंकर कहते हैं देवी वो व्यक्ति पातकी है, वो पापी है, इसको पाप की कोटि में कहा। तो बिना श्री जी के भगवान की आराधना अधूरी, साथ में श्री जी भी। तो वेद व्यास जी कहते हैं श्री जी के सहित मैं कृष्ण को प्रणाम कर रहा हूं। श्री कृष्णाय भयं नमः। श्री जी के सहित कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। बोले प्रणाम तो आपने किया श्री जी को, लेकिन सब श्री को प्रणाम आपने नहीं किया। क्यों? बोले कृष्णावतार में श्री की तो लाइन लगी है, रामावतार में तो एक श्री जी हैं सीता जी, तो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय, इतना कह दो काम चल जाएगा। क्योंकि श्री जी एक रूप में है सीता जी के रूप में। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय, श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः, श्री सीता रामाय नमः। नारायण स्वरूप में भी लक्ष्मी जी हैं, ज्यादा हो तो भाई श्री भू नीला समेत पर ब्रह्मणे नमः, लेकिन कृष्णावतार में तो श्री जी के कितने रूप हैं, राधा रुक्मिणी सत्यभामा नागनिजिति मित्रविंदा सत्या भद्रा लक्ष्मणा और उसके बाद 16,108, उसके बाद बोले वृंदावन की कितनी गोपियां, वो सब श्री का ही स्वरूप है। बोले तो इतनी श्री, अब कृष्ण को कैसे प्रणाम करें, बड़ी समस्या। सब श्री को साथ में जोड़ें तो श्री 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 करते करते तो पूरा दिन बीत जाए, तब भी कृष्ण का नाम नहीं आएगा, तब कैसे कहेंगे कृष्णाय नमः। बोले इसका समाधान हमारे वैयाकरणों ने कर दिया। व्याकरण के विद्वानों ने कहा जब एक ही समान शब्द अनेक शब्द आ जाएं तो उसमें एक शेष कर देना चाहिए, है? क्या गुरु जी, एक शेष हो जाता है, तो एक शेष का मतलब एक ही शब्द 10 बार बोलना हो और तब आगे का शब्द बोलना हो तो 10 बार बोलने की जगह पर एक ही बार बोल लिया जाए, उसमें एक शेष विधि हो जाती है, एक शेष बच जाता है, बाकी जो है सब उसी में मान लिए जाते हैं। तो श्री 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 1008 बार श्री श्री कहने का जो मतलब होगा वही एक श्री में आ जाएगा। बोले एक श्री कहे तो एक 16,108 श्री जी जो भगवान की पटरानियां हैं सब श्री उसी में आ गईं, इसलिए श्री कृष्णाय भजन नमः। उन समस्त श्री के सहित कृष्ण की समस्त पटरानियों के सहित भगवान को हम प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय भजन नमः। भगवान को प्रणाम किया और इसके बाद वर्णन करते हैं कि नैमिषारण्य में 88,000 शौनकादि महर्षियों ने सूत जी महाराज से जिज्ञासा की,
प्रणाम किया। नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशल शौनको ब्रवीत। कथामृत का रसास्वादन करने में कुशल शौनक जी महाराज ने परम पौराणिक महामती श्री सूत जी का अभिवादन करके वंदन करके पूजन करके उनसे प्रश्न किया। जिज्ञासा, किसी से कोई जिज्ञासा करे, कुछ सुनना चाहे, तो पहले उसका आदर करना चाहिए, उसका बहुमान करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए, प्रणिपात करना चाहिए, तब कोई जिज्ञासा करनी चाहिए। कोई सेवा नहीं, कोई सम्मान नहीं, कोई सहानुभूति नहीं, कोई रिस्पेक्ट नहीं, और सीधे आ गए तत्व जिज्ञासा लेकर, भाई बताइए ब्रह्म तत्व क्या है। बोले तुम्हारे बाप का कर्जा खाए हुए हैं जो बताएंगे, क्यों बताएंगे जी, पहले सेवा करो, सम्मान करो, आदर करो, तब तत्व की जिज्ञासा करो, यही शास्त्र कहता है। समित पाणिम श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, समित पाणी होकर, समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरुम अभिगच्छेत, हाथ में समिधा लेकर, कुछ द्रव्य उपहार लेकर गुरु की शरण में जाकर के ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए। इसी श्रुति की व्याख्या करते हुए श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। और जो संक्षेप वेद में था कि समित पाणी ही, समित पाणी होकर समिधा लेकर गुरु की शरण में जाए, फिर उसको और रूप में विस्तार में केवल समिधा लेकर के चला जाए, अगर इसका कोई अर्थ ये समझ ले कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु के पास जाना है तो एक लकड़ी का गट्ठर ले ले और ले जाकर उनके सामने पटक दें, बस हो गया ज्ञान मिलने लगेगा। बोले नहीं, इतने मात्र से नहीं, वहां श्रुति ने तो सूत्र रूप में कहा है। अब उस सूत्र का व्याख्यान स्वयं भगवान कृष्ण ने किया, तद विद्धि प्रणिपातेन, समिधा तो लेके जाओ लेकिन प्रणिपात भी करो, पहले साष्टांग करो, समिधा बगल में रखो पहले साष्टांग करो। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, समिधादि उपहार भेंट करने के बाद तब सेवा में लग जाओ, और सेवा करते करते जब गुरुजी प्रसन्न हो जाएं, अनुकूल वातावरण हो, तब उनसे प्रश्न करो, तब तत्व की जिज्ञासा। इतना व्याख्यान भगवान श्री कृष्ण ने दिया, लेकिन फिर आगे चल करके आचार्यों ने उसको और व्याख्यायित किया, और हमारे आचार्य श्री वेदांत देशिक स्वामी जी कहते हैं इतने से ही काम नहीं चलेगा, इसको और विस्तार से समझो। बोले क्या? बोले सद्बुद्धि साधु सेवी समुचित चरितस्तत्व बोधाभिलाषी शुश्रूषस्त्यक्तमान प्रणिपतन पर प्रश्न काल प्रतीक्ष शांतो दान्तोनुसूयुशरणमुपगतस्तत्व विश्वासशाली शिष्य प्राप्त परीक्षां कृतविदभिमतं तत्त्वतः शिक्षणीयः। अब वो सूत्र वहां पर केवल समित पाणी के रूप में, गीता में आकर के प्रणिपात और प्रश्नकाल प्रतीक्षा के रूप में, और फिर अब उसका विस्तार से जब व्याख्यान आचार्यों ने किया तो उसमें 14 बिंदु व्याख्यायित किए गए। तो कहने का तात्पर्य कि ज्ञान प्राप्ति के लिए समुत्सुक हो, श्रद्धावान हो, प्रणिपतन परायण हो, इन समस्त विधाओं का अनुपालन करते हुए श्री सूत जी महाराज के चरणों में शौनकादि मुनियों ने निवेदन किया और प्रश्न किया कि हे मुनिवर, आपने अनेक कथाएं सुनाई, अब मैं चाहूंगा कि हे मुनिवर आप हमें कथा का सार सुनाओ। कथा का सार क्या? सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम, ऐसी कथा हो जो मेरे कानों के माध्यम से हृदय में जाए और रसायन का काम करे। रसायन बोले तो औषधि, जो हमारे अंदर के रोग को निवृत्त कर दे। कौन सा रोग? बोले माया मोह निराशश्च, माया मोहादि के जो विकार हैं उनका निराश हो जाए, ऐसी कथा आप सुनाओ। और कैसी कथा? बोले जिस कथा को सुनकर हमारी शुद्धि हो जाए, हम शुद्ध हो जाए। शोधने किम परायणम, शोधने किम परायणम, ऐसी कथा सुनाओ जिस कथा से हम शुद्ध हो जाएं, पवित्र हो, जो हमें पवित्र कर दे।
और पवित्र करने वाली कथा तो भगवान की ही कथा है। पवित्रम ते विततम ब्रह्मणस्पते, तो भगवान जो परम पवित्र हैं, उन पवित्र परमात्मा का चरित्र भी परम पवित्र है। पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम, दैवतम देवतानाम च भूतानाम यो व्यह पिता। ऐसे परमात्मा के चरित्र को सुन करके ही हमारा अंतःकरण पवित्र होता है। इसीलिए शौनक जी ने कहा कि ऐसी कथा आप सुनाओ कि हम पवित्र हो जाएं, हमारी शुद्धि हो जाए। और कैसी कथा? बोले जिस कथा को सुनकर हम कथा नायक को प्राप्त कर लें, हम जिसकी कथा सुने उसे प्राप्त कर लें, वो कथा ही अपने वर्ण्य परमात्मा की प्राप्ति करा दे। कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद्वदाधुना, जिस कथा से हम भगवान को प्राप्त कर लें वो साधन हो। और इतना कहने के बाद शौनकादि मुनियों ने सूत जी का सम्मान किया, बहुमान किया और कहा, हे भगवान, आप ज्ञानी हैं, आपके चरणों में आकर के हमें विश्वास है कि कृष्ण कथा ही नहीं मिलेगी, कृष्ण ही प्राप्त हो जाएंगे हमें। बोले कैसे? तो शौनक जी ने कहा, स्वर्ग की चिंतामणि अगर मिल जाए तो वो लोक सुख दे सकती है। चिंतामणि लोक सुखम, स्वर्ग की चिंतामणि लोक का सुख दे सकती है। सुरद्रु स्वर्ग संपदम, स्वर्ग का कल्प वृक्ष अगर मिल जाए तो वो क्या देगा? बोले स्वर्ग की संपदा दे सकता है, लेकिन आप जैसे महापुरुष संत मिल जाएं तो वो क्या दे सकते हैं? बोले प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम, अगर आचार्य प्रसन्न हो जाएं, आप जैसे महापुरुष कृपा कर दें तो योगियों को भी जो दुर्लभ है, क्या? बोले वैकुंठ। योगियों को भी जो दुर्लभ है वैकुंठ, वैकुंठ माने वैकुंठ लोक, और वैकुंठ माने भगवान, वैकुंठ माने भगवान भी, भगवान का भी नाम वैकुंठ है। विकुंठा देवी के पुत्र बनकर के भगवान प्रकट हुए, इसलिए भगवान का नाम वैकुंठ। जैसे देवकी के पुत्र होने के कारण भगवान देवकी नंदन, कौशल्या के पुत्र होने के कारण कौशल्या कुमार, उसी प्रकार विकुंठा नाम की देवी के गर्भ से भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, इसलिए भगवान का नाम वैकुंठ। वैकुंठ भी भगवान का नाम। और भगवान वैकुंठ ने अपनी प्रियतमा भगवती के लिए जो लोक बनाया उसका नाम वैकुंठ, वो बनाए इसलिए उनके द्वारा बनाए इसलिए उसका नाम वैकुंठ। तो वैकुंठ भगवान का नाम। शौनक जी कहते हैं, प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम, अगर गुरु प्रसन्न हो जाएं, आचार्य प्रसन्न हो जाएं, तो योगियों को दुर्लभ जो वैकुंठ है उस वैकुंठ की प्राप्ति करा देते हैं। इस प्रकार सूत जी महाराज का बहुमान किया। फिर तो सूत जी बड़े प्रसन्न हुए और सूत जी ने कहा, हे शौनक, तुम्हारे चित्त में भगवान के प्रति प्रीति है, कैसे जान गए? अभी तो केवल प्रश्न ही किया था शौनक जी ने। शौनक जी ने यही कहा, ऐसी कथा सुनाओ कि हमारी शुद्धि हो जाए, ऐसी कथा जो कृष्ण की प्राप्ति करा दे, माया मोह का निराश हो जाए और हम धन्य हो जाए। बस इतना ही तो शौनक जी ने कहा, लेकिन सूत जी जान गए। सूत जी ने कहा, मैं जान गया तुम्हारे हृदय में भगवान की प्रीति। बोलने वाले के शब्द से उसके हृदय के भाव का अनुभव हो जाता है। आपके हृदय में क्या है, आप कितना भी छिपाओ, लेकिन वो सामने वाला व्यक्ति अगर आप थोड़ा भी बोले, कुछ भी व्यवहार किया, तो निश्चित रूप से सामने वाले को अनुभव हो जाता है। कहते हैं ना, खैर खून खांसी खुशी, बैर प्रीति मद पान, ये रोके से ना रुके जाने सकल जहां। तो साधारण आदमी भी जान जाता है, और यहां तो सूत जी ज्ञानी है, इनसे कैसे छिपा रह सकता है। तो सूत जी कहते हैं, हे शौनक, तुम्हारे हृदय में भगवान के प्रति जो प्रीति है उसे मैंने देख लिया। प्रीति शौनक चित्ते ते यतो वच्मि विचार्य च, इसलिए मैं तुम्हें भगवान की कथा सुनाऊंगा क्योंकि तुम्हारे हृदय में भगवान के प्रति प्रीति।
हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज कहा करते कि कथा किसे सुनाई जाए, बोले जो बहुत मोटी दक्षिणा दे उसको सुनाई जाए। कथा सुनने की क्या यही योग्यता है कि जो बहुत बड़ी दक्षिणा दे सकता है वही कथा सुन सकता है? बोले नहीं। बोले बहुत बड़ा विद्वान हो उसको कथा सुनाई जाए, या बहुत बड़ा चतुर हो नामचीन व्यक्ति हो उसको कथा सुनाई जाए? कहते हैं ये सब कथा सुनने की योग्यता नहीं है। कथा सुनने की योग्यता क्या है श्रोता की? बोले उसके हृदय में प्रीति होनी चाहिए। शौनक जी ने जब कहा तो सूत जी कहते मैं तुम्हें कथा सुनाऊंगा क्योंकि तुम्हारे हृदय में भगवान के प्रति प्रीति है, तुम्हें इसलिए कथा नहीं सुनाऊंगा कि तुम 1 करोड़ रुपए दक्षिणा दोगे, तुम्हें कथा सुनाऊंगा तो मेरा नाम होगा कि बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति थे और वो भी कथा सुनने आए तो तुम्हारे नाम से मेरा नाम प्रसिद्धि को प्राप्त करेगा, इसलिए कथा सुनाएंगे। बोले ये कारण नहीं, बोले ये सब तुच्छ कारण है। कथा सुनाने का मूल हेतु क्या है? बोले प्रीति ही, भगवान के चरणों में प्रीति है, इसलिए मैं तुम्हें कथा सुनाऊंगा। सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भय नाशनम, समस्त सिद्धांतों का जो सार है, संसार के भय को दूर कर देने वाला, भक्ति का संवर्धन करने वाला और काल के मुख में पड़े हुए जीवों का भी कल्याण कर देने वाला, काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे, काल रूपी ब्याल के मुख में पड़े हुए प्राणियों के त्रास को उनके दुख को दूर कर देने वाला, जो वर्णन है जो तत्व है वो मैं तुम्हें सुनाऊंगा। वो क्या है? बोले वो श्रीमद् भागवत महापुराण है। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। सूत जी कहते हैं कि कलयुग के प्रारंभ में मेरे गुरुदेव श्री सुखदेव जी ने जिस श्रीमद् भागवत शास्त्र को राजा परीक्षित को सुनाया और मैंने भी सुना, जिस कथा को सुनकर परीक्षित मुक्त हो गए, ये प्रमाण है। परीक्षित यत् साक्षी श्रवणगत मुक्त्युक्ति कथन, श्रवणगत मुक्ति के उदाहरण परीक्षित महाराज सूत जी कहते हैं वो कथा मैं आप लोगों को सुनाऊंगा और सुन लो आप बड़े पुण्यात्मा हो। सूत जी ने किससे कहा? 88,000 शौनकादि मुनियों से कहा कि आप बड़े पुण्यात्मा हो, और यही मैं आपसे कह रहा हूं आप लोग भी बड़े पुण्यात्मा हो कि नैमिषारण्य की इस पावन भूमि में आ गए कथा सुनने के लिए। जो कथा सुन रहा है कथा में बैठा है वो पुण्यात्मा है। अगर पुण्य न होता तो यहां न होते, असंभव था। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत, जन्मांतर में अगर उसने पुण्य किया है वो पुण्यात्मा है, तभी वो भागवत की कथा सुन सकता है, तभी ये ऐसे पवित्र तीर्थ में वो पहुंच सकता है, तभी ऐसा संयोग बनता है। नहीं तो लोग तैयारी किए रहते नहीं पहुंच पाते। इसी कथा में कितने लोगों को आना था और कितने लोग आए, कितनों का फोन कल तक आया महाराज हमारे यहां बाढ़ आ गई है। बाढ़ नहीं आई, उनका पुण्य नहीं था इसलिए वो बाढ़ आ गई। और क्या बोले महाराज बाढ़ आ गई, मोबाइल में फोटो खींच के भेजा महाराज कैसे आवे, सारे साधन बंद हो गए, ये समस्या हो गई। ये समस्या किसी के साथ हो सकती थी लेकिन आप लोगों के साथ नहीं हुई, इसका मतलब पुण्यात्मा हूं। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत, जिनके पुण्य समुद्भूत नहीं थे ऐसे लोगों के लिए बाधाएं आ गई किसी न किसी रूप में और वे नहीं आ पाए। उनके टिकट बने थे, उनको आना सारी तैयारी थी, 4 महीने पहले से उन्होंने योजना बना रखी थी लेकिन वो नहीं पहुंच पाए। तो महाराज ये पुण्य का फल है, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। और जिसको आना था, हमारी जयपुर की माता जी अकेले चली आई, कभी फ्लाइट में नहीं बैठी, अकेले यात्रा नहीं किया, अपने घर से कभी बाहर नहीं निकलती, लेकिन कथा सुनने का संकल्प था
और भगवान ने सब बानक बना दिया, अकेले ही सब बैठ करके यात्रा करती हुई चली आई। तो कहने का तात्पर्य कि जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत, जन्मांतर का पुण्य होगा तभी ऐसी पवित्र भूमि में बैठकर भगवान की चर्चा सुनने और सुनाने का अवसर प्राप्त होगा। श्री सूत जी कहते हैं कि ये कथा देवताओं को दुर्लभ है, स्वर्ग के देवता भी इसे चाहते हैं लेकिन उनको नहीं मिलती। एक उपाख्यान सुनाया, सूत जी कहते हैं मुनियों मेरे गुरुदेव श्री सुखदेव भगवान जब राजा परीक्षित को कथा सुनाने जा रहे थे उसी समय स्वर्ग से देवता आ गए। सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवाः तत्र समागमन, अमृत कलश लेकर के इंद्र आए और उनके साथ अनेक देवता थे। आकर के देवराज इंद्र ने कहा हे मुनिवर आप ये भागवत की कथा राजा परीक्षित को सुनाने जा रहे हैं, ये कथा आप हमको सुना दीजिए और इसके बदले में आप ये स्वर्ग का अमृत ले लीजिए, ये मैं देने को तैयार हूं। राजा परीक्षित मरने के डर से कथा सुन रहे हैं, आज के सातवें दिन इनको मरना है, तो हम स्वर्ग से अमृत लाए हैं, ये पूरा घड़ा ही इनको हम दे देंगे पी लें, एक बार में न पी पावे तो सवेरे से शाम तक पीते रहे बार बार। हाँ, लेकिन इनको जो आप पिलाने जा रहे हो श्रीमद भागवतामृतम ये कथा आप हमको पिला दो, बदल लो। एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम और प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद भागवता मृतम। इंद्र ने कहा, देवताओं ने कहा कि ऐसा विनिमय हो जाने पर राजा अमृत पी लेंगे और हम लोग कथामृत पी लेंगे। अब सोचो बड़े बड़े यज्ञ को करने के बाद लोग स्वर्ग की कामना करते हैं, यज्ञ रिष्ट्वा स्वर्गतिम प्रार्थना, क्यों? बोले स्वर्ग में बड़ा मजा आएगा। क्या मजा मिलेगा? बोले स्वर्ग में जाएंगे तो वहां अमृत पीने को मिलेगा, अमृत पिएंगे तो शरीर में कोई विकार नहीं होगा, कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, कभी जरा नहीं आएगी, इंद्रियों में कभी शक्ति नहीं घटेगी और स्वर्ग का जो भोग है वो तो अनंत है, उस भोग का हम भोग करेंगे, उपभोग करेंगे, आनंदित होंगे। और जिस आनंद की प्राप्ति के लिए बड़े बड़े यज्ञ करके लोग स्वर्ग जाते हैं, स्वर्ग में जाके अमृत पीते हैं, उस अमृत को जो समस्त आनंद का हेतु है स्वर्ग में, इसको इस अर्थ में भी समझो, उस स्वर्ग का अमृत लेकर के ही देवता लोग क्यों आए? कल्प वृक्ष लेके नहीं आए, चिंतामणि लेके नहीं आए, और भी बहुमूल्य पदार्थ थे स्वर्ग में, और दूसरा कोई लोभ लालच लेकर के नहीं आए, अमृत ही लेकर के इंद्र क्यों आए? कारण बोले दुनिया के समस्त भोग और सुख का मूल क्या है? वस्तुएं नहीं है। आप कहोगे महाराज बढ़िया एसी हो तो आनंद आएगा, एसी की बात आ गई तो इतना कह दें कि बहुत से लोगों को यहां गर्मी में परेशानी भी हो रही है, सब लोग एसी ही कमरा ढूंढ रहे थे, लेकिन यहां तीर्थ में तपस्या करने आए हो, थोड़ी तपस्या करो है? हम तो यही कहेंगे कि ये नैमिषारण्य तीर्थ है और जंगल में जाया जाता है, क्यों? बोले तप करने के लिए, तो थोड़ी असुविधा भी हुई हो तो सहन करो, तभी तीर्थ का फल प्राप्त हो। तीर्थ में भी जाकर के हम सब सुविधा का ही सेवन करें तो फिर तीर्थ में आकर के तपस्या हमने क्या, थोड़ी असुविधा भी हो फिर भी उसमें हम प्रसन्न रहें, आनंदित रहें, जिस उद्देश्य से आए हैं वो उद्देश्य महत्वपूर्ण है, भगवान की कथा सुनना। ऐसी फैसी सुख सुविधाएं तो सब जगह मिलती हैं, आपको घर में मिलती हैं, लेकिन यहां जो लेने आए हैं ध्यान उस पर केंद्रित होना चाहिए। तो आइए विषय वस्तु की ओर कि भगवान अमृत की चर्चा हो रही थी कि अमृत को ही लेकर के देवता क्यों आए। अरे भाई जितना भी दुनिया में सुख है उस सुख का मूल क्या है? बोले सुख का मूल कोई साधन नहीं है। कोई कहे हमको एसी में सुख है, गाड़ी में सुख है, खाने में सुख है, अच्छा अच्छा पहनने में सुख है। बोले न पहनने में सुख है न खाने में सुख है, असली सुख इस शरीर में है, अगर शरीर ही न रहता तो ये कौन पहनता कौन खाता? तो सारे सुख का पहला मूल तो शरीर है। बोले शरीर रहेगा तभी सुख भोगोगे, साधन तो सबसे बड़ा साधन ही है, सुख का अनुभव तो आत्मा को होता है।
लेकिन आत्मा को सुख का अनुभव कराने वाली इंद्रियां और ये शरीर साधन तो उसके बाद की कोटि में आते हैं। अब ये शरीर ही न रहे तो सुख दुख का अनुभव कहां से होगा, वो सुख का साधन कैसे बनेगा? तो शरीर व्यवस्थित रहे तभी हम सभी सुख को भोग पाएंगे। इसीलिए विशाल भोग को भोगने के लिए शरीर को भी व्यवस्थित रखना चाहिए। इसीलिए स्वर्ग में सबसे पहले अमृत पिलाया जाता, अब अमृत पी लो तब तुम्हारा शरीर बढ़िया बना रहेगा, तब सब सुख भोगने का मजा मिलेगा। तो सारे सुख का मूल, सुख भोगने की जो परिस्थिति तैयार होती है उसका मूल कारण वो अमृत है। तो वो समस्त पुण्य यज्ञ आदि के द्वारा जो सुख हम भोगेंगे उसको भोगने के लिए सुष्ठु शरीर चाहिए, और ऐसे शरीर की स्थिति को बनाए रखने के लिए साधन क्या बोले, अमृत। इसीलिए स्वर्ग में जाकर के अमृत पान करते हैं। वह अमृत अब ला करके इंद्र भगवान सुखदेव के चरणों में अर्पित कर रहे हैं, बोले ये ले लो और इसके बदले में हमको अब वो वाला अमृत दे दो। इसका मतलब बोले उस स्वर्ग के अमृत से भी ज्यादा विशिष्ट कोई अमृत अगर है तो वो कृष्ण कथा अमृत है, वो भगवान की कथा है। वो कथा, उस कथा को, उस कृष्ण कथामृत को अगर पी लोगे तो इस अमृत को पीने के बाद तो शरीर नष्ट होगा। कुछ दिन भले शरीर से सुख भोग लो लेकिन कृष्ण कथा अमृत को अगर पी लिया तो ऐसा दिव्य शरीर प्राप्त हो जाएगा जो कभी नष्ट नहीं होगा। वो दिव्य शरीर क्या होगा, बोले वो पांच भौतिक नहीं होगा, वो पंचोपनिषन्मय होगा। पंचोपनिषन्मय शरीर, दिव्य शरीर, और उस दिव्य शरीर को प्राप्त करके वैकुंठ में रहकर अनंत काल तक जीवात्मा अनंतानंद प्राप्त करेगा। इसलिए कृष्ण कथा अमृत स्वर्ग के अमृत से भी श्रेष्ठ। इंद्र ने कहा ये अमृत ले लो, इसके बदले में कृष्ण कथा अमृत मिलेगा। सुखदेव जी महाराज ने इंद्र को देखा और विचार किया, बोले कथा तो इनको दे सकते हैं और कथा के बदले में स्वर्ग का अमृत भी देने आए, लेकिन इनके अंदर भगवान के प्रति प्रीति नहीं है इसलिए इनको कथा नहीं सुनानी चाहिए। यही बात मैंने कही कि कथा सुनने की सबसे बड़ी योग्यता यह है कि भगवान के चरणों में हमारी प्रीति हो, और वो प्रीति वो योग्यता उन देवताओं में सुखदेव जी ने नहीं देखी। इसलिए स्पष्ट लिख दिया अभक्तास्ताश्च विज्ञाय, उन देवताओं को अभक्त समझा, बोले भक्त नहीं, अभक्तास्ताश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम। उन देवताओं को सुखदेव जी ने कथा नहीं सुनाई, देवता चले गए उल्टे पांव जैसे आए। सूत जी कहते हैं ये कथा इतनी दुर्लभ है स्वर्ग के देवताओं को भी नहीं मिली, अमृत देने के बाद भी उनको प्राप्त नहीं हो पा रही थी, लेकिन मृत्यु लोक के प्राणी धन्य हैं जिनको ये कथा बड़ी सरलता से और सुलभता से मिल जाती है, बड़ी सहजता से प्राप्त हो जाती है। फिर भी हम इसका महत्व नहीं समझ पाते, हम इसकी महिमा को नहीं समझ पाते। वास्तविकता यही है कि भगवान की कथा तो देवताओं को भी दुर्लभ है। सत्य लोके तुलाम बद्धा तोलयत साधनान्यजह, ब्रह्म लोक में ब्रह्मा जी ने तराजू बांध करके उस तराजू में सारे साधनों को तौला, हाँ तराजू बांधा और तराजू के एक पलड़े पर सारे साधन को रख दिया, ज्ञान वैराग्य यज्ञ कर्म तप, और एक पलड़े पर भागवत जी को रख दिया। परिणाम बोले जितने साधन थे सब हल्के हो गए और भागवत जी जिस पे रखी गई वो पलड़ा नीचे हो गया। लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत, अपनी गुरुता के कारण भागवत महिमा को प्राप्त हुआ, सब साधन इसके सामने लघु है, सारे साधन लघु। दूसरा भाव ये कि देखो तराजू में जब कोई वस्तु तौली जाती है तो जो हल्का वाला पलड़ा होता है वो किधर जाता है, बोले जो हल्का होगा वो ऊपर जाता है, जो वजनी होता है वो नीचे आता है। तो जितने साधन थे तप यज्ञ समाधि योग ये सब साधन हल्के थे, सब ऊपर चले गए, ऊपर चले गए मतलब चले गए, अब नहीं है दुनिया में,
अब योग कोई अपने नाम के आगे योगी भले लिख ले, लेकिन कोई योगी योगी नहीं इस दुनिया में। अपवाद स्वरूप कोई होगा तो वह कंदरा में बैठा होगा, वो समाज में नहीं घूमता, वो माइक लेकर के टीवी पर डिबेट नहीं कर सकता। योगी जो होगा वो तो अपनी किसी दशा में बैठकर वो अपनी साधना में लगा होगा, ऐसे लोग दुर्लभ। और समाधि, समाधि जिसको लगेगी वो संसार में नहीं रहेगा, वो तो कहीं कंदरा में होगा। तो योग, समाधि, तप और ये जो सारे साधन हैं, ये सब नाम मात्र के रह गए, ये सब चले गए महाराज, क्योंकि हल्के थे। कलयुग आया और ब्रह्मा जी ने तौला, बोले साहब ऊपर चले गए, वो पलड़ा ऊपर चला गया। अब न कलयुग में कोई योगी मिलेगा, न कोई समाधिस्थ मिलेगा, न कोई बहुत बड़ा साधना संपन्न कर्म संपन्न मिलेगा, क्योंकि युग का प्रभाव है। बोले तब, बोले इस युग में तो एक ही पलड़ा नीचे बचा है। बोले वो क्या है? बोले श्रीमद् भागवतामृत। इस कलिकाल में भगवान का चरित्र सुनकर, भगवान की कथा सुनकर, भगवान का नाम लेकर, भगवान का गुणगान करके ही जीव धन्य हो सकता है। बाकी जितने साधन हैं सब चले गए, अब साधन रहे नहीं। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा, राम ही सुमिरी ये गाई है, राम ही, राम ही सुमिरी ये गाई है, राम ही, राम ही सुमिरी ये गाई है, राम ही, संकट सुनिए राम को गाई, संकट सुनिए राम को गाई। इस कलिकाल में बस भगवान का गुण सुनो, भगवान का नाम लो, भगवत चर्चा में रहो, यही सबसे सुलभ और सरल साधन है। यही भागवत है, यही कथा है। इसका मतलब ये नहीं कि सब धर्म कर्म भी हम छोड़ दें, नहीं, बाकी जो आप करते हो करते रहो, संध्या वंदन यज्ञ यागादि, पवित्रता अपवित्रता का विवेक, शास्त्र सम्मत आचरण, वह सब करणीय है, उसको त्यागना नहीं है, करते रहो, लेकिन भरोसा केवल भगवान की भक्ति। बोले बस साधन तो सब हैं, लेकिन वो सब फेल हो सकते हैं, लेकिन ये साधन फेल होने वाला नहीं है। इसलिए कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। इस कलयुग में तो भगवत भक्ति ही जीव के कल्याण का सबसे सरल और सुगम साधन है, और केवल कलयुग में ही नहीं, समस्त युगों में, लेकिन इस समय तो विशेष रूप से। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, मुनियों, श्रीमद भागवत महापुराण की अद्भुत महिमा है। एक बार देवर्षि नारद अनेक लोकों में भ्रमण करते हुए उत्तराखंड पहुंचे। पर्यटन विविधान लोकान पर अनुग्रह कांक्षया, नारद जी महाराज तो पर्यटन करते रहते हैं। पर्यटन करते करते पृथ्वी पर आकर के अनेक तीर्थों में भ्रमण किया। पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी इत्यादि तीर्थों में भ्रमण करते हुए नारद जी महाराज उत्तराखंड पहुंचे। और उत्तराखंड में सनक संदन सनातन सनत कुमार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र विशाला नाम की नगरी में सत्संग करने के लिए आए हुए थे। वहीं पर नारद जी की सनकादिकों से भेंट हो गई। नारद जी बड़े चिंतित थे। सनकादिकों ने पूछा, भाई इदानीम शून्य चित्तोषी, इतने शून्य चित्त हो, क्या बात है, बड़े उदास लग रहे हो। तो नारद जी ने सारा कारण बताया। नारद जी ने कहा कि मैंने सर्वत्र भ्रमण किया, लेकिन कहीं पर मुझे शांति नहीं मिली। जहां भी गया मैं सब जगह विपरीत आचरण ही दिखाई पड़ा। कलयुग का अकांड तांडव सर्वत्र चल रहा है, परिणाम क्या हो रहा है? बोले कलि प्रभाव विरोध चहूं मोरा। एक ही अर्धाली में गोस्वामी जी ने कलयुग के संपूर्ण परिणाम का वर्णन कर दिया। कलि प्रभाव विरोध चहूं मोरा, सब जगह विरोध। विरोध का मतलब कहीं विरोध, कहीं विरोधाभास। किस प्रकार का? बोले वैचारिक विरोध, व्यवहारिक विरोध,
हर प्रकार का विरोध, यही कलयुग है। बाप का बेटे से विरोध, बेटा का बाप से विरोध, दोनों के विचारों में विरोधाभास, पति पत्नी में विरोधाभास, भाई भाई में विरोधाभास, गुरु चेला में झगड़ा, यही कलयुग है भाई। कल प्रभाव विरोध चहु हो रहा, कलयुग का यही प्रभाव है कि सब जगह विरोध, जहां आपका विचार न मिले और आपके प्रयास करने पर भी विरोध शांत न हो पावे, तो वहां पर यही मान लेना चाहिए कि भाई कलयुग का प्रभाव है। क्या करें, कलि प्रभाव विरोध चहु हो रहा। नारद जी जहां गए सब जगह विरुद्ध आचरण ही मिला, विरुद्ध माने विपरीत। क्या विपरीत आचरण मिला? नारद जी कहते हैं जहां मैं गया, पहली बात तो जितने लोग मिले सब केवल पेट ही भरने के चक्कर में लगे रहे, पेट से आगे उनको सोचने की क्षमता ही नहीं। उदरम भरिणो जीवाह बराकाह कूट भाषण, पेट कैसे भरे बस सवेरे से शाम तक इसी में अपनी बुद्धि और शक्ति का उपयोग करने में लगे। पेट तो जिंदगी भर हम भरते रहे और आज तक ये नहीं भरा, भर गया किसी का नहीं भरा, और जैसे ही भरो दो घंटे बाद खाली हो जाता है। दो घंटे भी ये शांति से नहीं रहता, दो घंटा बीतने के बाद फिर मन करता कुछ खाने को मिले, ये आज तक भरा ही नहीं रहा। कितना भरो इसको भरते भरते कितने जन्म बीत गए लेकिन आज तक ये भरा नहीं। लेकिन फिर भी हम सारी बुद्धि और विवेक का उपयोग केवल उधर भरने में ही लगाते हैं। नहीं, उधर भी भरो, पेट भी भरना चाहिए, लेकिन सारी बुद्धि और शक्ति का उपयोग केवल पेट ही भरने में लगा दें तो ये आत्मा का विनाश होगा, हम अपने पतन का स्वयं कारण बन जाएंगे। और कलयुग में यही होता। देवर्षि नारद कहते हैं उदरम भरिणो जीवाह, सब अपना पेट ही भरने में लगे, सवेरे से शाम तक वही 99 का चक्कर चलता रहता, और माँ बाप भी अपने बेटे को यही सिखाते। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं मात पिता बालक ने बुलावे, मात पिता बालक ने बुलावे, उधर भरे तेरी धर्म सिखावे, उधर भरे सोई धर्म सिखावे। कलयुग में माता पिता भी यही कहते हैं बेटों से, बेटा कुछ धंधा करो, कुछ कमाई करो। कैसे वो कमाई करे इसी की प्रेरणा मिलती है। मातु पिता बालकन बुलावई, उधर भरे सोई धर्म सिखावे। नारद जी कहते हैं सर्वत्र हमें विरोधाभास ही दिखा, इसका परिणाम बोले मंदा सुमंद मतयो, मंद भाग्या ह्युपद्रुताः, जितने प्राणी मिले बड़े आलसी मिले। महाराज कलयुग में सब इतना इतना विकास कर रहे हैं, कहां आपको आलस्य दिखाई पड़ रहा। लेकिन सूत जी कहते हैं महाराज मंदाह, सब मंद है, और काम में तो बड़े तेज हैं लेकिन आत्म कल्याण के मार्ग में मंद है, मंदाह बड़े आलसी। और दूसरा काम करना हो, मुकदमा लड़ना हो, कोर्ट कचहरी करना हो, और कोई दूसरी बात हो तो आदमी तुरंत दौड़ पड़ता है, सारे साधन मिल जाते हैं, सारी सुविधा जुट जाती है और उसमें सक्रियता से भाग लेता है। लेकिन धर्म का कार्य हो, आत्म कल्याण का कार्य हो, तो उसमें उतनी सक्रियता नहीं कर पाता। वहीं पर उसको सारी बचत दिखाई पड़ती है, वहीं पर वो सारी अपनी बुद्धि का सदुपयोग करके बचने का प्रयास करता है। कारण बोले भगवत कार्य में आत्म कल्याण के मार्ग में व्यक्ति मंद हो गया, आलसी हो गया। मंदा सुमंद मतयो, और मति भी मंद हो गई, मंद भाग्या है, और उनका भाग्य भी मंद हो गया, और ऊपर से अनेक प्रकार की विपरीत परिस्थितियां, पाखंड निरता संतो
विरक्तास परिग्रहाः, और चारों तरफ प्राखंड का ही प्रचार, कहने के लिए विरक्त और परिग्रह से युक्त, ऐसी विपरीत बातें सर्वत्र देखने को मिली। नारद जी ने कहा, कलयुग के इस प्रभाव को देखकर मैं बड़ा दुखी हुआ। घूमते घूमते मैं वृंदावन पहुंचा तो वृंदावन में एक स्त्री युवती जमुना के तट पर रो रही थी। उसके अगल बगल दो वृद्ध पुरुष पड़े थे, अनेक स्त्रियां उसकी सेवा कर रही थी। मैंने सोचा कोई होगी, मैं तो जा रहा था, लेकिन उस स्त्री ने मुझे देखा और उस स्त्री ने कहा, हे महात्मन रुक जाओ, मेरे दुख को दूर करो। वो भो साधो क्षणम तिष्ठ, हे साधु एक क्षण रुक जाओ, मत चिंता मपि नाशयो, मेरी चिंता का नाश करो। क्यों? बोले चिंता की नाश की जिम्मेदारी क्या साधु ने ले रखी? तो भक्ति महारानी कहती हैं कि साधुओं का दर्शन समस्त प्रकार के दुख को दूर करने वाला है। हे महात्मन आप मेरे दुख को दूर करो। नारद जी ने पूछा, देवी आप कौन हो? कासित्वम काविमौ, आप कौन हो? आपके अगल बगल पड़े ये पुरुष कौन हैं? तो उस स्त्री ने अपना परिचय दिया। उस स्त्री ने कहा, हे मुनिवर मैं भक्ति हूं और ये मेरे पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य, जो बूढ़े हैं पड़े, और ये स्त्रियां जो मेरी सेवा कर रही हैं ये भारत की पवित्र नदियां, गंगा जमुना सरस्वती गोदावरी कावेरी कृष्णवेणा तापी पयोष्णी, ये सब पवित्र नदियां हैं। नारद जी ने कहा, आप भक्ति हो? भक्ति महारानी ने कहा, हाँ। नारद जी तो बड़े प्रसन्न हुए, जिस भक्ति को मैं ढूंढ रहा हूं वह भक्ति मूर्तिमती होकर के यहां प्रकट है। नारद जी तो प्रसन्न हो गए, बोले देवी आप दुखी क्यों हो? तो भक्ति महारानी ने कहा, ये मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य अस्वस्थ हो गए, असमर्थ हो गए, अचेत हो गए, इसीलिए मैं दुखी हूं, इनको आप ठीक करो। नारद जी ने पूछा, कहां से आई हो? तो भक्ति महारानी ने परिचय दिया कि मैं द्रविण देश से आई हूं, दक्षिण देश में मेरा जन्म हुआ, कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र में मेरा कहीं कहीं प्रचार हुआ और गुजरात में आकर के मैं जीर्ण हो गई। फिर गुजरात से चल करके मैं जब वृंदावन में आई तो वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी, वृंदावन में आकर के मैं नवीन हो गई, लेकिन मेरे ये पुत्र ज्ञान वैराग्य अभी भी अचेत पड़े और यही मेरे दुख का कारण है, आप मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य को स्वस्थ कर दो। भक्ति महारानी ने कहा, इसके साथ साथ आप मेरे दो प्रश्नों का समाधान भी कर दो। नारद जी ने कहा, क्या प्रश्न है? भक्ति महारानी ने कहा, एक प्रश्न तो यह है कि सारे दुख का मूल ये जो कलयुग है, ये जब राजा परीक्षित के सामने आया था, परीक्षित इसको मारने जा रहे थे, तो परीक्षित ने इसको छोड़ क्यों दिया? मार दिया होता, मार देते तो काम खत्म हो जाता, न कलयुग रहता न कोई समस्या होती। और दूसरा प्रश्न कि चलो परीक्षित ने छोड़ दिया कलयुग को, लेकिन भगवान तो सर्वज्ञ हैं और भगवान सर्वसमर्थ हैं, भगवान सब कुछ जानते हैं, तो भगवान ये कलयुग के अन्याय को, इसके अधर्म को कैसे सहन करते हैं? भगवान इसका कोई उपाय क्यों नहीं करते? भगवान चाहे तो क्या संभव? कथम परीक्षिता राजा स्थापितो यशुचि कलिहि, और करुणा पारेण हरिणा प्यधर्म कथम ईक्षते, इस कलयुग के अधर्म को भगवान हरि कैसे सहन करते हैं? इन दोनों प्रश्नों का आप उत्तर दे दो। तो नारद जी ने कहा, देवी पहले मैं आपके प्रश्न का उत्तर ही दे देता हूं। नारद जी ने कहा, देखो राजा परीक्षित ने जो कलयुग को छोड़ दिया उसका कारण यह है कि कलयुग में दोष तो बहुत है, लेकिन कलयुग में एक गुण भी, और उस गुण के कारण राजा परीक्षित ने कलयुग को छोड़ दिया। क्या गुण है? कलयुग का गुण यह है
कि जो सतयुग में तपस्या और समाधि से फल प्राप्त होता है, त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ करने पर जो फल मिलता है, द्वापर में भगवान की पूजा और ध्यान से जो फल मिलता है, कलयुग में केवल भगवान का नाम लेने से, राम राम कहने से वो फल मिल जाता है। ये सबसे बड़ी विशेषता। और कलयुग में बोले कलयुग में एक सबसे बड़ी विशेषता ये है कि अन्य युगों में आप अगर मन से पाप कर दो तो पाप लग जाए। मन में आपने पाप सोच लिया तो पाप लग जाएगा। लेकिन कलयुग में बोले कलयुग में मन से आप पाप सोचो तो पाप नहीं लगेगा, लेकिन मन से अगर आप पुण्य की कल्पना करो, कोई पुण्य संकल्प करो तो वो हो जाएगा। ये कलयुग की विशेषता है। और अन्य युगों में हजारों वर्ष तक अनुष्ठान आदि करने का जो फल है वो कलिकाल में अल्प समय में ही प्राप्त हो जाता है, सीमित संसाधनों में ही प्राप्त हो जाता है। इन सारी विशेषताओं को देखते हुए राजा परीक्षित ने कलयुग को छोड़ दिया। कलयुग का सबसे बड़ा प्रताप यही है। वैसे तो कलयुग की बड़ी निंदा की गई है, कलयुग जैसा कोई युग नहीं, और सबने निंदा की। गोस्वामी जी ने कम निंदा की। गोस्वामी जी ने जब कलयुग का वर्णन किया तो क्या क्या कहा कि कलयुग में सन्यासी कैसे होंगे, साधु कैसे होंगे, स्त्री कैसी होगी, राजा कैसे होंगे, सब बता दिया, सब मनमाने हो। लेकिन इतना सब कह करके अंत में यही कहा, गोस्वामी जी को भी कहना पड़ा कि कलयुग समयुग आन नहीं। कलयुग समयुग आन नहीं जो नर कर विश्वास, कलयुग समयुग आन नहीं जो नर कर विश्वास, गाई राम गुण गन विमल भवतर भी नहीं प्रयास, गाई राम गुण गन विमल भवतर भी नहीं प्रयास, हाँ भवतर भी नहीं प्रयास, भवतर भी नहीं प्रयास। कलयुग की एक सबसे बड़ी विशेषता है कि कलयुग में भगवान का गुण गा करके गाई राम गुण गन विमल भवतर बिनहि प्रयास। इस कलिकाल में भगवान के गुण को गा करके सुन करके बिना प्रयास के ही जीव बड़ी सुगमता से संसार सागर से पार हो सकता है। और भगवान के चरणों की अगर प्रीति आ गई, भगवान का गुणगान हम करने लगे, तो समझ लो कलयुग में रह करके भी हम कलयुग के प्रभाव से बच जाएं। किस प्रकार से? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि काल धर्म व्यापै नहीं तेहि, काल धर्म व्यापै नहीं ताहि, उसे कलयुग व्याप्त नहीं हो सकता। रघुपति चरण प्रीत अति जाहि, जिसके हृदय में भगवान के चरणों की प्रीति होगी, भक्ति होगी, उसके ऊपर कलयुग का कोई प्रभाव नहीं होगा। वो कलयुग में रहेगा लेकिन कलयुग का प्रभाव उसके ऊपर नहीं होगा। तो कलयुग में भी रह करके कलयुग के प्रभाव से अगर बचना है तो हम भगवान के चरणों में प्रीति करें, भगवान के चरणों में हम अपने आप को समर्पण करें, भगवान का स्मरण करें, भगवान की कथा सुने, कलिकाल में रह करके भी हम कलिकाल के प्रभाव से बच जाए। तो कलयुग की इस महिमा को जान करके राजा परीक्षित ने छोड़ दिया। और रही बात कि भगवान इस कलयुग के अधर्म को कैसे सहते हैं, तो नारद जी ने कहा, देवी ये युग धर्म है, अयम युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम्। ये युग धर्म है, इस युग में ऐसा ही होगा, ये भगवान भी जानते हैं। अतस्तु पुंडरीकाक्षः सहते निकटे स्थितः, इसीलिए भगवान पुंडरीकाक्ष ये सब सहन करते रहते हैं, देखते रहते हैं, क्योंकि इस युग का यही धर्म है। इसके बाद देवर्षि नारद ने कहा, हे देवी, मैं आपके दुख को दूर करूंगा, आपके पुत्र ज्ञान वैराग्य को मैं ठीक कर दूंगा, और इसके लिए मैं कोई उपाय करूंगा। आपको मैं घर घर में प्रतिष्ठित कर दूंगा, कलयुग में आपकी ही महिमा होगी,
कलयुग में न कोई तपस्या को पूछेगा, न कोई समाधि को पूछेगा, घर घर में हे भक्ति महारानी आपका आदर होगा, मैं आपको घर घर में प्रतिष्ठित कर दूंगा। और अगर अब ऐसा मैंने नहीं किया, महाराज नारद जी भगवान के भक्त हैं ना, नारद जी तो ताव में आ गए। नारद जी ने वृंदावन में जमुना के तट पर कहा, देवी अगर मैंने आपको घर घर में प्रतिष्ठित न कर दिया तो मेरा नाम नारद नहीं। हाँ, जैसे लोग कहते हैं ना, अगर ये काम मैंने नहीं किया तो मैं अपना नाम बदल दूंगा, मेरा नाम नाम नहीं। नारद जी भी ऐसे ही आ गए ताव। नारद जी ने कहा, तदा नाहम हरेर दासो लोके त्वाम न प्रवर्तये, अगर लोक में मैंने आपकी प्रवृत्ति न कर दी, घर घर में आपको मैंने प्रतिष्ठित न कर दिया तो मेरा नाम नारद नहीं। भक्ति महारानी तो बड़ी प्रसन्न हुई। नारद जी ने कहा, इसके लिए मैं उत्सव करूंगा। अन्य धर्मास्तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान, भक्ति कैसे प्रतिष्ठित हो? बोले इसके लिए एक ही साधन है जो नारद जी बता रहे हैं, उत्सव। उत्सव से ही भक्ति का विस्तार होता है। भक्ति क्या है कैसे जानोगे? बोले जब उत्सव होता है तो उत्सव देखकर उत्सव में आकर के ही दर्शनार्थियों के हृदय में भक्ति प्रतिष्ठित होती है। इसीलिए अनेक प्रकार के उत्सव का विधान रचा गया मंदिरों में, देवालयों में अनेक प्रकार के इसीलिए उत्सव होते हैं। नित्योत्सव, पक्षोत्सव, मासोत्सव, संवत्सरोत्सव, विविधोत्सव, कृतानंद, श्रीमद आनंद निलय विमान वास श्री श्रीनिवास। श्री श्रीनिवास गद्य में हमारे आचार्य कहते हैं कि भगवान के जो इतने उत्सव होते हैं, आज रथ यात्रा का उत्सव, तो कल पालकी उत्सव, तो परसों ये उत्सव, परसों भगवान का अभिषेक, तो फिर ये, तो होली, भगवान का जल विहार, झूला महोत्सव, और इन महोत्सव में अनेक लोगों की भीड़, और फिर गान बजान, व्याख्यान, लोगों का एक दूसरे से मिलना, उसमें प्रसाद वितरण, भोजन भंडारा, ये जब उत्सव का रूप होता है, यह उत्सव ही लोगों के हृदय में भक्ति का विस्तार। जो नए होते हैं, जो अपरिचित होते हैं, जिनको भक्ति का ज्ञान नहीं, भगवान का ज्ञान नहीं, वो तो पहले देखने के लिए आते हैं, देखें हो क्या रहा, फिर उनको कुछ समझ में आता है, कुछ मजा आता है, फिर कुछ खाने को भी मिलता है, प्रसाद मिला, मालपुआ मिला, खाए। भगवान का प्रसाद जब भीतर गया तो अंतःकरण निर्मल हुआ, रुचि बढ़ गई, फिर और आने लगे। पहले तो प्रसाद के लोभ से आए, पहले मजा के लोभ से आए, टाइम पास करने के लिए आए, बोले चलो परेशान है वहीं बैठते हैं, और फिर धीरे धीरे उसी उत्सव को देखते देखते उनके हृदय में भी भक्ति आ जाती। इसीलिए अन्य धर्मास तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान, देवर्षि नारद ने कहा अन्य धर्मों को तिरस्कृत करके उत्सव का मैं पुरस्कार करूंगा और सबके हृदय में भक्ति प्रतिष्ठित होगी और ज्ञान वैराग्य को तो मैं अभी ठीक कर देता हूं। नारद जी महाराज ने जो ज्ञान वैराग्य भक्ति के पुत्र, उनके कान में जाकर के नारद जी जोर जोर से पाठ करने लगे, उपनिषद सुनाया, वेद सुनाया, ब्रह्म सूत्र सुनाया, गीता सुनाई, फिर भी वो ज्ञान वैराग्य नहीं उठे। कान के पास मुख ले जाकर मुखम संयोज्य कर्णान्ते शब्दम उच्चैः समुच्चरन, कान के पास अपना मुख ले जाकर के देवर्षि नारद ने जोर से ज्ञान के कान में कहा, ज्ञान प्रबुद्ध्यताम, अरे ज्ञान उठ जाओ, शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुद्ध्यताम, अरे वैराग्य उठ जाओ, न ज्ञान उठा न वैराग्य उठा, दोनों पड़े। कान में चिल्लाने पर भी जब नहीं उठे, वेद वेदांत घोतैश्च गीता पाठैर मुहुर्मुहु, भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य जब नहीं जगे, तब नारद जी को चिंता हो गई, क्या करें, सब साधन करने के बाद ये नहीं जगे, इनको कैसी नींद आ गई है, हैं? क्या करें। उसी समय आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी में व्योम वाणी तदैवा भूम, उसी समय आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी में शब्द सुनाई पड़ा,
कि हे मुनिवर, आपका परिश्रम निष्फल नहीं होगा, ज्ञान वैराग्य ठीक हो जाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको सत्कर्म करना होगा। नारद जी पूछना चाहते थे कौन सा सत्कर्म करें, तब तक वाणी बंद हो। आकाशवाणी में कार्यक्रम चलता रहता है, अचानक लाइन फेल हो जाए तो रेडियो बंद, फिर टी टी करने लगता है। हमारे बैजू भाई सितार वादक, ये तो आकाशवाणी के कलाकार हैं, मध्य प्रदेश में इनका कार्यक्रम बहुत दिनों तक रेडियो पर बैजू भाई के नाम से आता रहा। तो महाराज कनेक्शन टूट जाए तो फिर कार्यक्रम सुनाई नहीं पड़ता। वही हुआ, आकाशवाणी बंद हो गई। नारद जी उसके आगे सुनना चाहते थे कि भाई कौन सा सत्कर्म करें, तब तक स्टेशन बंद हो गया। अब नारद जी को लगा कि अब क्या करें, अब किसी से पूछें भाई कौन सा सत्कर्म करें। नारद जी सत्कर्म की परिभाषा जानने के लिए चले, बड़े बड़े ऋषि मुनियों से पूछा, सब मौन हो गए। किसी ने कहा, नारद जी आपके प्रश्न का कोई उत्तर नहीं, असाध्यम केचन प्रोचु हो। कुछ लोगों ने कहा कि देवर्षि आपका जो प्रश्न है ये असाध्य है, सत्कर्म क्या है इसकी कोई परिभाषा तय कर पाना बड़ा कठिन है, असाध्य। किसी ने कहा साध्य तो है लेकिन बहुत कठिन है, दुर्गेयम। और कुछ लोग तो ऐसे थे जो चुप हो गए। नारद जी जब आए तो सब जान गए, नारद जी ऐसा प्रश्न लेकर के आ रहे हैं, इसका उत्तर है नहीं, तो मूकी भूताह चुप हो गए। नारद जी ने कहा मेरे प्रश्न का उत्तर दो, इतने दिन से तपस्या कर रहे हो, ज्ञानी हो, विद्वान हो, और बड़ी बड़ी डिग्रियां तुम्हारे पास हैं, आठ आठ विषय से आचार्य हो, लब्ध स्वर्ण पदक हो, पीएचडी डीलिट की सब डिग्री है, अब बताओ इसका समाधान, कौन सा हम सत्कर्म करें कि ज्ञान वैराग्य ठीक हो जाए। तो क्या करें, डिग्री की इज्जत बचावें, बता सकते नहीं, कोई उत्तर था नहीं, तो चुप हो, मौन हो। नारद जी ने पूछा तो उन महात्माओं ने कहा, भाई इशारे से कहा, आजकल हम मौनी है, बोलते बोलते नहीं है, मौन धारण कर लिए हुए हैं, इसलिए कैसे बतावें आपको, मूकी भूताह मौन हो गए। कुछ ऐसे थे जो नारद जी के जाने पर रास्ता ही छोड़ करके भाग गए, कि अंतस्तु पलायिता पलायित हो। नारद जी ऐसा प्रश्न लेकर के आ रहे हैं, इनके प्रश्न का तो कोई उत्तर ही नहीं, ऐसा ही हुआ। इसके बाद कहते हैं कि नारद जी अपने प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए व्याकुल थे, कौन सा मैं सत्कर्म करूं कि ज्ञान वैराग्य ठीक हो जाए, और इसी उत्तर को ढूंढने के लिए उत्तराखंड चले गए। उत्तराखंड में उत्तर मिल गया, ऐसे तो उत्तर दिशा में जो भूमि है उसका नाम उत्तराखंड, लेकिन जहां पर नारद जैसे ज्ञानी के प्रश्न का उत्तर मिल गया इसलिए भी उसका नाम उत्तराखंड। वहीं पर नारद जी को उत्तर मिला। जब पहुंचे तो सनकादिक मिल गए। नारद जी ने कहा मेरी यही चिंता का कारण है कि मैं कौन सा सत्कर्म करूं, मैं जान नहीं पा रहा। सनकादिक होने का बस इतनी सी बात, कोई बात नहीं मैं बता रहा हूं। सनकादिकों ने कहा मां चिंताम कुरु देवर्षे हर्षम चित्ते समावह। नारद जी के कहते ही प्रश्न करते ही सनकादिकों ने यही कहा, मां चिंताम कुरु देवर्षे, हे मुनिवर चिंता मत करो, हर्षम चित्ते समावह, हर्षित हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ। नारद जी ने कहा भी उत्तर मिला ही नहीं, कैसे प्रसन्न हो जाए। अरे बोले अब प्रसन्न हो जाओ, समझो कि उत्तर मिल ही गया। क्या उत्तर है, सनकादिकों ने कहा, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधैहि। ज्ञान यज्ञ ही सबसे बड़ा सत्कर्म है। आकाशवाणी ने जो कहा ज्ञान यज्ञ करो, सत्कर्म करो, तो वो सत्कर्म ज्ञान यज्ञ ही है। नारद जी ने कहा ज्ञान यज्ञ कैसे होता है। सनकादिकों ने कहा ज्ञान यज्ञ करने के लिए कुंड मंडप घी तेल आग पानी लकड़ी इसकी जरूरत नहीं पड़ती। इस यज्ञ में न पानी की जरूरत है, न लकड़ी की जरूरत है, न आग की जरूरत है, न यज्ञ मंडप की जरूरत है। बोले तब रे श्रीमद् भागवतालापस्सतु गीत श्रुकादिभिः। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनना यही ज्ञान यज्ञ है।
इस ज्ञान युग में न घी की जरूरत होती है, न तिल की जरूरत है, न पानी की जरूरत है, यहां तो सुनना सुनाना यही ज्ञान युग है। बोले तो जब इसमें कोई हवन नहीं, आहुति नहीं, तो इसका नाम यज्ञ कैसे? बोले हाय भाई, यज्ञ में क्या होता है? बोले एक वेदी बनाई जाती है, प्रधान वेदी होती है, उस प्रधान वेदी पर यज्ञ के प्रधान देवता को स्थापित करके उनका पूजन होता है, षोडशोपचार पूजन होता है, और फिर कुंड में आहुति होती है अनेकानेक पदार्थों की। बोले यहां भी इस यज्ञ में यही होता है। बोले क्या है? बोले अपने हृदय की वेदी पर, अपने हृदय की वेदी पर परमात्मा श्री कृष्ण को विराजमान करो, यही प्रधान देवता है। तुम्हारा कान ही यज्ञ कुंड है, और तुम्हारे कान रूपी यज्ञ कुंड में वक्ता अपने मुख रूपी शुवा के द्वारा भगवान की कथा की आहुति प्रदान करता है, यही ज्ञान यज्ञ, यही ज्ञान यज्ञ हमारा। और अपनी भावनाओं की विविध विधाओं के द्वारा, भावनाओं के विविध प्रकार के द्वारा भगवान को भावित करना, यही षोडशोपचार सहस्रोपचार भगवान की पूजा, अपने अंतःकरण की वेदिका पर, यही ज्ञान यज्ञ है। श्रीमद् भागवतालापस्तु गीत शुकादिभिः, सनकादिकों ने कहा कि श्रीमद् भागवत महापुराण की ये कथा ही ज्ञान यज्ञ, और इसी ज्ञान यज्ञ को ही सत्कर्म कहते हैं, और इसी सत्कर्म से ज्ञान वैराग्य दोनों ठीक हो जाए। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। नारद जी ने कहा यह कथा कहां होगी? तो सनकादिकों ने कहा चलो हम सुना देते हैं। महाराज आप जैसे वक्ता मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात। सनकादिक तैयार हो गए, नारद जी को लेकर के आए। बोले कथा गंगा के तट पर हरिद्वार में, बद्री नारायण से उतर करके नीचे आए हरिद्वार समतल भूमि पर। बद्री नारायण की भूमि बोले वो बहुत ऊंची थी। इसका तात्पर्य भावात्मक अर्थ ये है कि ज्ञान के बहुत उच्च शिखर पर बैठकर अगर वहां से भगवान की कथा प्रवाहित हो तो वह सबके लिए सुलभ और सुखद नहीं हो पाती। होती तो है लेकिन वो उतनी सुखद और सुलभ और सरस नहीं होती। जैसे गंगा प्रवाहित तो कैलाश पर्वत से होती, हिमालय से होती, गंगोत्री से निकलती, गंगा वही है, लेकिन वहां से लेकर हरिद्वार तक समतल भूमि तक आने में उनका जो रास्ता है, गंगा तो वही है, शुद्ध भी है, पवित्र भी है, लेकिन सबके उपभोग के योग्य नहीं बन पाते। क्यों? बोले वो जहां प्रवाहित होती हैं वैसी ऐसी विलक्षण घाटियां हैं कि वहां व्यक्ति पहुंच नहीं सकता, उनके तट तक जाना संभव है, गिरे तो कहां जाएगा पता नहीं, रास्ते नहीं है, है गंगा वही। उसी प्रकार ज्ञान के उच्च शिखर से भगवान की कथा प्रवाहित हो लेकिन वो सबके लिए सुखद और सुलभ नहीं हो सकती। वो तो श्रोता वक्ता के मानसिक धरातल के पास आकर, श्रोता वक्ता यही दोनों मानो तट, एक तट श्रोता है एक तट वक्ता, और दोनों तट समान हो, समतल हो, तब जब कथा गंगा प्रवाहित होती है तब ये सबके लिए सुखद और सुलभ हो जाता है। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुड़, यही समतलता है। इसीलिए हरिद्वार की समतल भूमि पे आकर के सनकादिकों ने कहा यहां कथा हो। गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नामकम, गंगा द्वार हरिद्वार में आनंद नाम के तट पर कथा का आयोजन हुआ। ये विलक्षणता देखो, कथा कहां हो रही है? बोले हरिद्वार में। ये हरिद्वार क्या है? बोले भगवान का हृदय है। हरिद्वार सात मोक्षदायिनी पुरियों में हरिद्वार भगवान का हृदय है। मायापुरी पुण्यदा विष्णो पाद अवंतिका गुणमयी मध्ये च कांचीपुरी नाभिम द्वारवती तथा च हृदयम मायापुरी पुण्यदा। पुण्य को प्रदान करने वाली मायापुरी हरिद्वार भगवान का हृदय है। तो कथा भगवान के हृदय में हो रही, और कथा सुनाने वाले कौन है? बोले सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। ये कौन है? बोले ये स्वयं भगवत स्वरूप है, ये भगवान के अवतार है।
प्रथम अवतार हैं, 24 अवतार में इनको प्रथम अवतार के रूप में गिना गया। और कथा का आयोजन करने वाले देवर्षि नारद कौन हैं? बोले ये भी भगवान के अवतार हैं, ये तीसरे अवतार हैं। तृतीयम ऋषि सर्गम तु, ये तीसरे अवतार हैं। और कथा सुनने वाली जो भक्ति और ज्ञान वैराग्य हैं, तत्वतः विवेचन किया जाए तो भक्ति में और भगवान में कोई अंतर नहीं, ये भी भगवत स्वरूपा। इसीलिए तो नाभादास जी ने कहा, भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। तो भक्ति और भगवान भी, और इनके भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य। बोले ज्ञान ही भगवान है, लो वो भी भगवान का ही स्वरूप। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ज्ञान अखंड एक सीता वर, सीता वर रघुनंदन ही अखंड ज्ञान है। ऐसी विलक्षण कथा भगवान के हृदय स्थल में, और आयोजन करने वाले भगवत स्वरूप सनकादिक, कथा सुनाने वाले सनकादिक देवर्षि नारद भगवत स्वरूप, सुनने वाली भक्ति ज्ञान वैराग्य, बोले ये सब भगवत स्वरूप। अद्भुत कथा हुई, और कथा भगवान रम्य एकांत स्थान में कथा हुई। और ज्यों ही कथा प्रारंभ हुई, ज्ञान वैराग्य दोनों उठ करके बैठ गए, भक्ति स्वस्थ हो गई। कथा सप्तम समाकर्ण्य तत्रिकम तरुणायते, तत्रिकम तरुणायते नाम धातु है, यही तो है, गुरु जी बैठे हैं हमारे, तो तत्रिकम तरुणायते, ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों तरुण हो गए। कथा सप्तम समाकर्ण्य, कथा सुनकर के नहीं, कथा होने जा रही है इतना ही सुनकर के जवान हुआ। कथा शब्दम समाकर्ण्य तत्रिकम तरुणायते, और जब तरुण हो गए तो सब महाराज दौड़ते हुए आ गए। गंगा तटम समाजग्मुह कथा पानाय सत्परा, और केवल ज्ञान वैराग्य भक्ति ही नहीं, इस कथा का प्रचार बढ़ाऊ बहुत दूर तक हुआ, और कथा का प्रचार करना भी चाहिए। एक दिन ही मेरे मन में ये बात आई, एक बार किसी जजमान से मैंने कहा कि भाई कथा तो कराओ लेकिन कथा का प्रचार खूब करो, खूब प्रचार प्रसार करो, अच्छी अच्छी होल्डिंग लगाओ, लोगों को पता चले कि हो रही है तो अधिक से अधिक लोग लाभ लेंगे। बोले महाराज कथा हमको सुननी ही सुनाना, आपको है प्रचार करने की क्या जरूरत। कभी कभी जजमान लोग बड़े बुद्धिमान भी होते हैं भाई, और अपनी बुद्धि का सदुपयोग करने लगते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई प्रचार करने से क्या लाभ, क्या लिखा है कहीं शास्त्र में कि कथा करे तो प्रचार करना चाहिए। हमने कहा भाई अगर शास्त्र में तुम्हारी निष्ठा है तो मैं इसका भी प्रमाण दे सकता हूँ, शास्त्र में भी लिखा है प्रचार करना चाहिए, और जितना लिखा उतना तो तुम कर भी नहीं सकते, तुम तो सीमित दायरे में करोगे। लेकिन नारद जी ने जब हरिद्वार में कथा का आयोजन किया तो नारद जी ने कहां तक प्रचार किया, कहां तक निमंत्रण पत्र भेजा, और कहां तक उन्होंने होल्डिंग पोस्टर लगाई। आज के संदर्भ में अगर चिंतन किया जाए तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं, भूर लोके देवलोके च ब्रह्म लोके तथैव च, भूलोक में ब्रह्म लोक में देवलोक में तीनों लोक में नारद जी ने प्रचार किया। हाँ, केवल अपने जिला में अपने गांव में नहीं, पृथ्वी पर भूर लोक में स्वर्ग लोक में देवलोक में नारद जी ने सब जगह जाकर के प्रचार किया, कथा होने जा रही चलो, इतना एडवर्टाइजमेंट हुआ। फिर जब इतना बड़ा प्रचार प्रसार हुआ तो कथा सुनने के लिए श्रोता भी आए स्वर्गलोक से देवलोक से ब्रह्मलोक से। श्री भागवत पीवू सपानाय रसलम पटाह, ये कथा सुनने वाले लोग कौन थे? श्री भागवत पीवू सपानाय, श्रीमद भागवत रूपी अमृत का पान करने वाले जो लंपट थे, लालची थे, ऐसे सब आ गए महाराज, सब लंपट आ गए। और कैसे आए? बोले दौड़ दौड़ करके आए महाराज। धावंतो प्याययु सर्वे प्रथमम ये च वैष्णवाः, जो भगवान के भक्त थे वैष्णव थे वो सब आ गए, दौड़ते हुए आए। और कौन वैष्णव है? बोले जितने ऋषि मुनि महात्मा थे, भृगुर वशिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधातिथिर देवल देवरातौ,
रामस्तथा गाधिसुतश्च साकलो मृकण्डपुत्राजित पिप्पलादाः। ये सब महामुनि महात्मा लोग आ गए। योगेश्वरौ व्यास पराशरौ च छाया सुको जाजलिजन्न मुख्या सर्वेभ्यमी मुनिगणाः सह पुत्र शिष्याः। और अकेले नहीं आए, अपने पुत्र को, अपने शिष्य को, अपनी पत्नी को जो मिला, अरे तुम भी चलो, सबको लेकर के आए। ये भी बड़ा अच्छा काम है महाराज, अपने कथा सुनो और दूसरे को भी सुनाओ। सबको लेकर के आए सनकादि, ओ ऋषि मुनि लोग। और कौन आया? बोले वेद के जितने मंत्र थे सब कथा सुनने आए। वेदांतानि च शास्त्राणि, वेदांत जितने उपनिषद हैं सब उपनिषद कथा सुनने आए। शास्त्राणि जितने शास्त्र हैं सब कथा सुनने आए। और मंत्रास्तंत्राः जितने मंत्र हैं सब कथा सुनने आए। ये जितने मंत्र हैं, जितने ग्रंथ हैं हमारे यहां, ये सब केवल लिपि, अक्षर, पोथी और कागज नहीं। इनको केवल पोथी समझो, किताब समझो, कागज समझो, और ये अक्षर लिखा है इतना ही समझो, बोले गलत बात। ये सब देवता है हमारा, इनका सबका दिव्य रूप है, इसके अधिदेवता हैं। हमारे यहां तीन प्रकार के जगत की कल्पना है ना, आदिभौतिक, आदिदैविक और आध्यात्मिक। आदिभौतिक, आदिभौतिक का मतलब जैसे गंगा जी बह रही हैं, उनका आदिभौतिक रूप क्या है? अरे आदिभौतिक रूप यही है कि वो हिमालय से चली और समुद्र तक जा रही हैं, दोनों तरफ पृथ्वी है, अगल बगल जंगल है, बीच में वो पानी बह रहा है। पानी एक तत्व है, पंच तत्वों में से एक तत्व, ये उनका आदिभौतिक रूप। लेकिन आदिदैविक रूप क्या है? पानी तो बह रहा है लेकिन उसकी एक अधिष्ठात्र शक्ति है। शक्ति क्या है? बोले वही गंगा, वो देवी भगवती। और उनका आध्यात्मिक स्वरूप क्या है? बोले वह भी भगवान की विभूति है और सर्वांतर्यामी परमात्मा उनके भी अंतःकरण में विराजमान है। इस रूप में उनका आध्यात्मिक रूप भगवत रूप हो जाता है। तो उसी प्रकार से ये जितने मंत्र तंत्र ग्रंथ हैं, इनका जो भौतिक रूप है तो हम देखते हैं, लेकिन इसके पीछे इनका आधिदैविक रूप जो है, इनके अधिदेवता जो है, वो भी तय है। सब मंत्र के अलग अलग देवता हैं, यहां तक कि एक एक अक्षर के देवता हैं, सब हमारे यहां शास्त्रों में लिखा है। ऐसा विलक्षण ज्ञान विज्ञान दुनिया के किसी धर्म में नहीं। अरे दुनिया में कोई धर्म है ही नहीं, पहली बात तो ये समझो। धर्म तो केवल सनातन धर्म है, बाकी सब पंथ हैं। धर्म तो केवल सनातन धर्म है, उनको धर्म शब्द से नहीं कहा जा सकता। मजहब कह लो, दीन कह लो, पंथ कह लो, लेकिन धर्म शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? धर्म का मतलब वेद प्रणहितो धर्मो, वेद प्रणहितो धर्म। धर्म क्या है? बोले वेद प्रतिपाद्य, वेदों के द्वारा जो प्रतिपाद्य कर्तव्य कर्तव्य है वो धर्म। कर्तव्य धर्म है और अकर्तव्य अधर्म है। वेद प्रतिपाद्य कर्तव्य कर्तव्य वही धर्माधर्म है, वही धर्माधर्म है। तो धर्म तो केवल सनातन धर्म है, बस बाकी सब पंथ हैं, दीन हैं, मजहब हैं, उनके लिए वो सारे शब्द बने। धर्म तो केवल सनातन धर्म है। और सनातन धर्म में जो ज्ञान विज्ञान है ये दुनिया में कहीं नहीं। अनादिकाल से जो है सब ज्ञान विज्ञान, तर्क की कसौटी पर, विज्ञान की कसौटी पर, सब पर खरा उतरने वाला। आजकल लोग धर्म की हर बातों को विज्ञान से जोड़ करके देखना चाहते हैं। कहते महाराज इसके पीछे वैज्ञानिक कारण ये है, और बड़े मजे से उसको समझते हैं। बोले तुलसी इसलिए खाई जाती है, तुलसी भगवान को इसलिए चढ़ाई जाती है कि तुलसी एंटीबायोटिक, अनेक रोगों को नाश करने की क्षमता है, इसलिए ऋषियों ने तुलसी के पूजन का, तुलसी को रखने का, तुलसी का वृक्ष लगाने का विधान किया। बोले ठीक बात है, यह भी पक्ष मान्य है, उसके वैज्ञानिक कारण तुमने ढूंढ लिए तो वैज्ञानिक कारण ढूंढ करके ही उसको मानो, सामान्य बुद्धि के लिए तो ठीक है। लेकिन बहुत ऐसे विषय हैं हमारे सिद्धांत में जिनको आप
आज के विज्ञान से प्रमाणित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि विज्ञान अभी तक उस कोटि तक पहुंचा ही नहीं। हमारे धार्मिक सिद्धांत बहुत ऐसी बातें हैं जिसको आज आप विज्ञान की कसौटी पर नहीं कर सकते, क्योंकि विज्ञान की कसौटी जिस सीमा तक है उस सीमा से कहीं आगे धर्म का जो, इसलिए हर धर्म की बात को हम विज्ञान की कसौटी पर कसें ये कोई जरूरी नहीं। हाँ, जिस दिन विज्ञान उतना विकसित हो जाएगा तो वो भी बात तुम जान जाओगे, उसके भी प्रमाण मिल जाएंगे। तो बंधुओं, हमारा सनातन धर्म विलक्षण ज्ञान विज्ञान संपन्न है जो कि अकाट्य। बाकी जितने लोगों के यहां दीन में मजहब में बातें कही गई सब गलत सिद्ध हो गई। बाइबिल में लिखा है कि पृथ्वी चपटी है, जो बाइबिल पढ़े होंगे, न पढ़े हो तो जान ले। बाइबिल में लिखा ईसाई मजहब में कि पृथ्वी चपटी है, कैसे बोले, जैसे रोटी है, कोई प्लेट हो तावा हो ऐसी चपटी है, और हमारे यहां लिखा पृथ्वी गोल है। तो जब वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया कि पृथ्वी तो गोल है, पिंड के आकार की है, तो बाइबिल के सिद्धांत से उसका विरोध हो गया। तो पोप ने आदेश दिया इस वैज्ञानिक को फांसी पे चढ़ा दो, ये धर्म के विपरीत बोलता है। बोले तुम्हारी बात गलत हो गई तो तुम उसमें फांसी चढ़ा। हमारे यहां ऋषियों ने पहले ही कहा, जब न विज्ञान था न इतने संसाधन थे, अनादिकाल से यही कहा गया कि ये ब्रह्मांड ही पिंड के रूप में, इसलिए इसका नाम अंड है, अंड माने अंडे के समान, पिंड के समान। और केवल ब्रह्मांड ही नहीं, उस ब्रह्मांड में जितने जितने नक्षत्र ग्रह हैं सब पिंड रूप हैं। हम आप सब पिंडज ही हैं, इसीलिए सबको पिंड कहा जाता है। मरने के बाद भी पिंडदान ही किया जाता है। क्यों? बोले सब पिंड हमने माना है, और तुम तो मान रहे हो कि पृथ्वी रोटी जैसी चपटी। और जिसने बताया, वैज्ञानिक ने सिद्ध किया कि संसार गोल है, पृथ्वी गोल है, तो उसको फांसी पर चढ़ा दिया। महाराज, तुम्हारी बात तो आज से 400 वर्ष पहले गलत हो गई। हमारे यहां जो कुछ है सब विलक्षण है, बुद्धि की उपज नहीं है, अपितु बुद्धि को उत्पन्न करने वाला जो बुद्धि का भी अधिष्ठाता परमात्मा है, उससे जो ज्ञान का स्रोत चलता है वह ज्ञान हमारे यहां। इसलिए इसमें कहीं ननु नच नहीं है, कहीं कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता। लोग कहते हैं महाराज एक बात तो गलत हो गई। बोले क्या गलत हो गई? बोले आप कहते हो ग्रहण लगता है तो राहु केतु चंद्रमा सूर्य को निगलते हैं, लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं राहु केतु नाम का कोई ग्रह नहीं है, वो तो चंद्रमा की और पृथ्वी की छाया जब बीच में आ जाती है तब ग्रहण लगता, तो आपका राहु केतु कहां चला गया? बोले भैया वो जो छाया होती है, इसीलिए तो हमारे यहां शास्त्रों में राहु और केतु को छाया ग्रह कहा गया। क्या कहा गया? पंडित लोग जानते हैं, यहां सब वैदिक विद्वान बैठे हैं पाठ करने वाले, राहु और केतु छाया ग्रह हैं। इनको पहले ही हमारे ऋषियों ने छाया ग्रह कहा। जिस छाया को तुम आज ढूंढे, ऋषियों ने पहले ही कह दिया कि वो छाया ग्रह। सूर्य और वो चंद्रमा और पृथ्वी की छाया में राहु केतु जो ग्रह हैं, देवता हैं, उनका जो अधिदेव रूप है वो उसमें प्रविष्ट हो जाता है छाया में, और छाया उसके तेज को आच्छादित कर लेती है, इसी को ग्रहण कहते हैं। महाराज सब वैज्ञानिक है हमारे, ऐसा कुछ नहीं है, जितना भी सिद्धांत है सब वैज्ञानिक है। लेकिन बंधुओं, आज हमें सनातन धर्मियों को बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। विधर्मियों ने हमारे धर्म को विकृत करने के लिए पहले शस्त्र उठाया, तलवार और तीर के बल पर हमारे सनातन परंपरा को, सनातन धर्म को विकृत करने का और इसे समाप्त करने का प्रयास किया, उसमें सफल नहीं हुए, हम सफल रहे। तो अब उन लोगों ने नए नए दूसरे उपाय निकाले, जिन उपायों को हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन आज कथा के माध्यम से मैं कह रहा हूं, और इसलिए कह रहा हूं ये कथा आस्था भजन चैनल पर विशेष प्रसारण के लिए जाएगी, लाखों लोग सुनेंगे, इसलिए इस बात को लोग जानें कि आज ईसाई मिशनरियां हमारे भारत में धर्मांतरण करने के लिए कितने बड़े कुचक्र कर रही हैं। पहले तो लोभ देकर के धर्म परिवर्तन कराया, भय देकर के, लोभ और भय से जब धर्म परिवर्तन बंद हुआ
तो हमारे धर्म की कुछ बातों को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और अब धीरे धीरे वो हमारे लोगों को भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। और ये शुरुआत कहां, बोले केरला में, तमिलनाडु में। वो चर्च कैसा बनाते हैं, बोले जैसे हमारे मंदिर बनते हैं। ऐसे तो चर्च की आकृति दूसरी होती, आपने देखा होगा, ऐसा बनाते हैं फिर ऊपर क्रॉस लगाते हैं। लेकिन अब उन लोगों ने सोचा कि ऐसा करो कि सब काम मंदिर जैसा ही करो, तो हिंदुओं की जो भोली भाली जनता है इसको भी धीरे धीरे मंदिर मान लेगी और देवता मान लेगी और हमसे जुड़ जाएगी। तो केरला में, तमिलनाडु में, वहां की सब ईसाई मिशनरियां क्या करती, बोले नए जो चर्च बन रहे हैं उन चर्चों को मंदिर की आकृति दी जाती है। जैसे दक्षिण में गोपुरम बना करके उन गोपुरम में अनेक देवताओं की मूर्तियां बनती, उसी प्रकार वो सब मूर्तियां उसमें बना करके वैसी ही डिजाइनिंग करती है। साधारण आदमी यही समझेगा किसी देवता का मंदिर। फिर भीतर मंदिर में जाओ तो मंदिर में जैसे हम लोग सिंहासन बना करके, मंडप बना करके भगवान को स्थापित करते हैं, वैसे ही मंडप बना करके उसके उसमें ईसा की मूर्ति और मरियम की मूर्ति को बैठाया। तो जैसे हमारे यहाँ राधा कृष्ण, सीताराम, पार्वती, शंकर, उसी प्रकार वहां मरियम और ईसा को बैठा दिया। और उनका कपड़ा भी, वैसे मूर्तियों में उनके यहाँ कपड़ा पहले नहीं पहनाते, लेकिन अब जैसे हमारे यहाँ श्रृंगार करते हैं भगवान का चमकीले जरी के वस्त्र, वैसे कपड़े, मुकुट सब पहना करके मंदिर जैसा ही वातावरण बनाते हैं। और उसके बाद यहां तक बदमाशी की कि संस्कृत के शब्दों को जोड़ जोड़ करके ईश देवाय नमः, कृष्णाय नमः, ऐसे करके मंत्र बनाए, मंदिर के सामने लिखा, जिससे भोली भाली जनता भ्रमित हो कि ये भी हमारे सनातन धर्म का अंग है और लोग हमारे अनुयायी बन जाए। यहां तक कि मंदिर के सामने, जैसे दक्षिण भारत में आप गरुड़ स्तंभ देखते हो, वृंदावन में देखा होगा रंग मंदिर में सोने का स्तंभ लगा हुआ, तो उसको तो गरुड़ स्तंभ कहते हैं। शिव जी का मंदिर होगा तो नंदी का स्तंभ होगा, देवी का मंदिर होगा तो उनका जो वाहन है उनका स्तंभ होता है, जो प्रधान देवता होते हैं उनके वाहन का स्तंभ वेदिका बनती है, ये नियम है। तो उसके विषय में इन सब ने क्या किया बदमाशों ने, ये चर्च बना करके चर्च में सामने उसी प्रकार का खंभा वैसे ही लगाएंगे कि लोग समझे गरुड़ स्तंभ है, बस इतना अंतर करते हैं कि ऊपर जाकर के उसमें क्रॉस थोड़ा बना लेते हैं दिखाने के लिए, बाकी सब आकृति प्रकृति वैसी। सामान्य आदमी तो एक बार भ्रमित हो जाएगा कि ये कोई दिव्य देश है, कोई देवालय, इस तरह का कुचक्र। तो महाराज, समाज को इन चीजों से सावधान होने की जरूरत है। यहां तक कि अब तो प्रसाद भी बांटने लगे, कीर्तन भी होता है, आरती करते हैं विधिवत आग जला करके जैसे हम लोग करते, ये सब नहीं होता था, लेकिन सारी विधाओं का अनुकरण करके हमारे समाज में घुसपैठ बना करके धर्म को विकृत करने का ये षड्यंत्र विदेशी मशीनरियों के द्वारा चलाया जा रहा है। इससे हिंदू समाज को सावधान होने की आवश्यकता है। और इसके पीछे विदेशी धन और भारत की कुछ राजनीतिक पार्टियां अपने स्वार्थ के लिए इसका पोषण कर रही हैं और उनको शक्ति और सुविधाएं प्रदान कर रही हैं। इससे हिंदू समाज को सावधान होने की आवश्यकता है। हमारे यहाँ ज्ञान विज्ञान जो है वही सत्य है, वही प्रामाणिक है और अनादि है, नित्य है। हमारे यहाँ जितने ग्रंथ हैं ये सब देव स्वरूप हैं, रामायण, गीता, भागवत, ये सब दिव्य ग्रंथ हैं, भगवान के स्वरूप है हमारा, इनकी मूर्तियां हैं, ये सब दिव्य देवता के रूप में आकर के हरिद्वार में कथा श्रवण करते हैं। आपको बतावे श्री एक उदाहरण, नीलकंठ आचार्य एक हुए बहुत बड़े विद्वान, जिन्होंने महाभारत की टीका लिखी है, उस टीका का नाम है नीलकंठी टीका, सबसे प्रामाणिक संस्कृत की टीका है। तो आचार्य नीलकंठ महाभारत की टीका लिख रहे थे, तो महाभारत में ही गीता है, श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता की जब व्याख्या कर रहे थे तो एक श्लोक आया कि अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। यही श्लोक आया, इस श्लोक के अर्थ का चिंतन किया उन्होंने और जब व्याख्या लिखने लगे तो अर्थ तो यही है कि जो अनन्य भाव से भगवान का भजन करता है, भगवान कहते हैं अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते, अनन्य होकर के जो मेरी उपासना करता है उसके योगक्षेम का मैं वहन करता हूं।
योग क्षेम क्या है? बोले अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करा देना ये योग है, और प्राप्त वस्तु का संरक्षण ये क्षेम है। ये भगवान करते हैं। लेकिन इस श्लोक के अर्थ को सोचते सोचते नीलकंठ जी ने सोचा कि नहीं नहीं, ये बात ऐसी नहीं। कारण बोले नीलकंठ आचार्य जो व्याख्या लिख रहे थे बड़े गरीब थे, घर में खाने तक को नहीं था। आज शाम को रसोई क्या बनेगी? कुछ नहीं। लेकिन चिंता नहीं, भरोसा भगवान का था कि ठाकुर देंगे। कई दिन बीत गए, पेट में अन्न नहीं, भोजन का कोई उपाय नहीं, लेकिन ग्रंथ लेखन और चिंतन में लगे रहे। तब ये सारे ग्रंथ ऐसे दिव्य आज भी विद्यमान है। ये महर्षियों का तप है, ऋषियों की साधना है, ब्राह्मणों की साधना और तपस्या का ये फल है कि सारे विश्व के कल्याण के लिए ऐसे विलक्षण ग्रंथों को अपनी साधना से समुद्भूत किया, प्रकट किया। महाराज भूखों रहकर खाने के लिए घर में रोटी नहीं और अपना कर्तव्य कर रहे हैं, ऐसे ऐसे आचार्य हुए महाराज। बात कहूं तो बहुत बात बढ़ जाएगी। व्याकरण शास्त्र के बहुत बड़े विद्वान श्री नागेश भट्ट हुए, कहते महाराज कि वो व्याख्या लिखते थे, पढ़ते थे, जीवन भर पत्नी के साथ रहे, लेकिन उनके कोई संतान ही नहीं। क्यों? बोले कभी पत्नी को पत्नी भाव से देखा ही नहीं, जीवन भर शास्त्र चिंतन ही करते। तो बोले आपके और महाराज खाने के लिए कुछ नहीं। पत्नी ने आकर के कहा आज क्या बनावे, कुछ है ही नहीं। तो सामने एक इमली का पेड़ था घर के सामने। बोले देवी ऐसा करो, इमली का पत्ता खट्टा होता है, इसके थोड़े पत्ते नोच लो और उसी पत्ते को पीस करके और पानी में घोल दो, थोड़ा नमक डालो, मीठा हो जाएगा, यही पी के काम चला। और जब तक इस पेड़ में पत्ते हैं तब तक कहीं जाने की क्या जरूरत, जब इसमें भी खत्म हो जाएगा तब सोचा जाए। और महाराज इमली के पत्ते को पीसकर उसी में नमक डालकर उसी पानी को पी करके रह लेते और शास्त्र का चिंतन। ये सहन शक्ति ब्राह्मणों में थी, ऐसी तपस्या। तो नीलकंठ शास्त्री जी भी महाराज भूखों रहते लिखते पढ़ते। इस श्लोक की व्याख्या करते समय उनके मन में भाव आया कि भाई यहां पर एक अक्षर बदल देना चाहिए। बोले क्या? बोले जो लिखा गीता में भगवान ने कहा योग क्षेमम बहाम में हम, तो बहाम में हम मतलब वह प्रापणे धातु है, प्राप्त कराना, बहन करना, ढो करके ले जाना। भगवान कहते अपने भक्तों के योग और क्षेम को मैं बहन करता हूं, ले जा करके देता हूं, पहुंचाता हूं। तो नीलकंठ शास्त्री जी ने सोचा कि इसमें बहाम में हम नहीं होना चाहिए। बोले तब बोले ददाम में हम होना चाहिए। भगवान दे देते हैं, किसी से दिला देते हैं, स्वयं थोड़ी भगवान करने आते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं बहाम में हम, तो बहाम में हम हटा करके ददाम में हम कर दिया और लिख करके चले गए। और फिर गए समुद्र स्नान करने के लिए, जगन्नाथपुरी में थे। समुद्र स्नान करने जब गए, भगवान ने क्या किया, भगवान ने अद्भुत लीला की। भगवान श्री कृष्ण ने बालक का रूप धारण किया और एक बड़ी सी टोकरी में, इतनी बड़ी टोकरी, और उतनी बड़ी टोकरी में चावल, दाल, आटा, घी, तेल, मसाला, सब्जी, नमक, मिर्चा, हल्दी सब रख करके और उस टोकरी को सिर पर रख करके 8 वर्ष के बालक के रूप में भगवान आ गए। नीलकंठ शास्त्री जी तो समुद्र स्नान करने गए थे, 8 वर्ष का बालक इतनी बड़ी टोकरी उठावे, दुबला पतला बालक, सोचो देखने वाले को दया लगेगी। उतनी बड़ी टोकरी लेकर के ठाकुर जी पहुंच गए, दरवाजा खटखटाया, पंडितानी जी दरवाजा खोलो। पंडितानी ने दरवाजा खोला, देखा इतना बड़ा बोझा लिए। बोले बेटा क्या बात है, इतनी बड़ी टोकरी, कहां जा रहे हो, कौन हो, क्या बात है? तो भगवान ने कहा देवी जल्दी से ये बोझ मेरे सिर से उतारो, मैं तो थक गया हूं। किसी प्रकार पंडित जी की पत्नी ने वो बोझा उतारा। बोले तुम कौन हो, किसके लिए लाए हो? 8 वर्ष के बालक में के रूप में आए हुए भगवान ने कहा देवी ये सब पंडित जी ने भेजा है और आपके लिए मैं लेकर के आया हूं, पंडित जी ने भेजा है। बोले तुम कौन हो? बोले मैं तो यहीं पड़ोस में रहता हूं, पंडित जी ने भेजा है। तो पंडितानी जी को बड़ी दया आई कि इतना छोटा बालक इतना बोझ ढो करके लाया,
पंडित जी को दया नहीं आई? इस छोटे से बच्चे के पीठ पर सिर पर इतना बड़ा बोझ लाद दिया। तब तक पंडितानी ने देखा क्या कि उस बालक के चेहरे पर कटे का निशान बना था, लगा जैसे किसी ने मार दिया हो, नख लग जाए कोई धारदार चीज से कट जाए, ऐसे कटे का निशान। पंडितानी ने पूछा कि बेटा ये तुम्हारी चोट कैसे लगी? तो बालक ने कहा मैया मत पूछो। बोले बेटा बताओ ये चोट कैसे लग गई, बड़ा बड़ा कष्टप्रद होगा ये। तो बालक के रूप में आए हुए भगवान ने कहा कि ये चोट नहीं लगी है, ये आपके पंडित जी ने हमको मारा है। ऐसे ही कहा, बोले आपके पंडित जी ने हमको मारा। पंडितानी ने कहा पंडित जी ने मारा? वो कितने निर्दयी हैं, ऐसा मारा कि कट गया, निशान पड़ गए और ऊपर से इतना बोझ लाद दिया। आने दो पंडित जी को, भगवान तो चले गए सामान रख करके, और पंडित जी जब आए तो पंडितानी तो शेरनी के समान खड़ी हो गई। पंडित बने हो, बड़े विद्वान हो, पैसे भर की दया नहीं, 8 वर्ष के बालक के सिर पर इतना बोझ लाद दिया और ऊपर से उसको मारा। पंडित जी ने कहा कौन बच्चा, कौन बालक, कौन बोझ, हमको तो कुछ पता नहीं। पंडितानी हाथ पकड़ करके ले गई, दिखाया, बोले इतनी बड़ी टोकरी भेजे, चावल दाल घी तेल मसाला सब, और उस बच्चे के सिर पर लाद दिया, ऊपर से उसको आपने मारा भी। पंडित जी ने कहा मैंने नहीं भेजा। पंडितानी ने कहा झूठ बोलते हो। तब पंडित जी ने स्मरण किया इतना बड़ा बोझ, 8 वर्ष का बालक कौन लाया, कैसे आया, बुद्धिमान थे, तुरंत उनका ध्यान गया ये तो भगवान की लीला है। और पंडित जी रो पड़े, बोले देवी वो बालक कोई और नहीं था, साक्षात भगवान कृष्ण आए थे, तुम भाग्यशाली हो तुमने उनका दर्शन किया। पंडित जी ने कहा वो साधारण बालक नहीं था, वो साक्षात भगवान कृष्ण थे। और पंडित जी को बड़ा पश्चाताप हुआ। देवी ने कहा कि उस बालक के मुंह पर चोट लगी थी, कटे का निशान था। पंडित जी ने कहा वो अभागा मैं हूं, ठीक कहा उस बालक ने, मैंने ही मारा। और वो गलती क्या थी पंडित जी की? बोले महाभारत ग्रंथ के उस श्लोक के ऊपर एक लाइन खींच दिया था कि ये पंक्ति गलत, वो कलम से जो काटने का निशान बनाया वही भगवान के गाल पर कटने का निशान बन गया। महाभारत की उस पंक्ति को कलम से काट दिया, लाल कलम चला दी, ये पंक्ति गलत है, योगक्षेमम बहाम में हम नहीं, योगक्षेमम ददाम में हम होना चाहिए। काटा जो है कॉपी में, पुस्तक में, निशान बन गया भगवान के मुख पर। इसका मतलब क्या है? बोले इन ग्रंथ में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, ये सारे दिव्य ग्रंथ भगवत स्वरूप हैं। महाराज जितने मंत्र तंत्र ये सब भगवत स्वरूप, इनके सब अधिदेवता हैं और सबके अंतर्यामी भगवान इनके अधिष्ठाता हैं। सूत जी कहते हैं गंगा के तट पर जब कथा हुई तो सब कथा सुनने के लिए आए। बात यहीं से चली थी कि 18 पुराण वो 17 पुराण सब वेद मंत्र तंत्र मंत्रास्तंत्रास समूर्तयः सब कथा सुनने आए। गंगाद्याः सरिताः तत्र, गंगादि नदियां आ गई कथा सुनने के लिए। क्षेत्राणि च दिशः सर्वा, सभी क्षेत्र दसो दिशाएं ये सब कथा सुनने के लिए आए। कहां पर? हरिद्वार में नारद जी ने जो आयोजन किया। और कौन आ गए? बोले नगादयो ययुस्तत्र, नगादयो, नग आए कथा सुनने के लिए। नग माने पर्वत, नग छतीति नगाह, जो चलते नहीं है एक जगह रहते हैं इसलिए उनका नाम नग। वो सब आ गए बड़े बड़े पर्वत कथा सुनने के लिए, जो नहीं चलते थे वो भी चल पड़े और सब कथा सुनने के लिए आ गए महाराज। और देव गंधर्व तो आए ही, बोले आने वाले की तो चर्चा हो गई और कौन नहीं आए? बोले अब जो नहीं आए उनका भी वर्णन करते हैं। कहते हैं कि गुरुत्वात् तत्र नायातान, कुछ लोग कथा सुनने नहीं आए। वो न सुनने वाले कौन थे? बोले बड़े अभिमानी थे महाराज। सूत जी कहते हैं गुरुत्वात् तत्र नायातान, वो अपनी गुरुता में, अपनी गंभीरता में, अपने अहंकार में पड़े रहे, हम कथा सुनने जाए क्या सुनाएंगे? वही ना सुनाएंगे जो भागवत में लिखा, वो तो हम खुद ही पढ़ लेंगे, वो क्या बताएंगे हमको?
ऐसा अभिमान रखने वाले लोक कथा सुनने नहीं आए अपनी गुरुता के अभिमान में। लेकिन धन्य है भृगु जी महाराज, ये महात्मा कितने विलक्षण होते हैं, सबके कल्याण की कामना करते हैं। भृगु जी महाराज गए और भृगु जी ने कहा चलो कथा सुनने। बोले क्या जाएं, वो क्या सुनाएंगे, हम तो सब सुने। भृगु जी ने समझाया तुम्हारा दुर्भाग्य इतना प्रबल न हो जाए कि इस रस से तुम वंचित हो जाओ, इसलिए अपने अभिमान को त्यागो और चल करके कथा सुन लो। भृगु संबोध्य चानयत, भृगु जी ने उनको संबोधित किया और समझाया। संबोध्य, संबोध्य माने सम्यक बुद्वा, समझा करके उनको बोधित किया, समझाया, संबोधन नहीं किया। संबोध्य का मतलब संबोधन भी है, लेकिन संबोध्य का मतलब सम्यक रूप से उनको बोध करा दिया, समझा दिया। बोले चलो, नहीं जाओगे तो तुम्हारा दुर्भाग्य होगा। भृगु जी महाराज उनको लेकर के आए और सब कथा सुनने आए। गंगा के तट पर अद्भुत कथा हुई, शनकादिकों ने कथा की महिमा बताई। बोले देखो ये कथा बड़ी पवित्र है, इस कथा को सुनने के लिए कोई बहुत दिनादि का नियम नहीं है। दिना नाम नियमो नास्ति, सर्वदा श्रवणम मतम। भगवान की कथा कभी भी सुनो, इसके लिए कोई काल और नियम का बंधन नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं महाराज किस मुहूर्त में सुने, बढ़िया दिन हो। बोले जिस दिन तुम सुनोगे वही बढ़िया दिन होगा, वही दिन तुम्हारे जीवन का सबसे बढ़िया दिन होगा जिस दिन तुम कथा सुनो। और नहीं सुने तो जितना बढ़िया दिन है सब तुम्हारे लिए बेकार ही था। भगवान की कथा में कोई मुहूर्त नहीं, और ये कथा तो जितना जल्दी हो उतने जल्दी सुन लेना चाहिए। अच्छे काम में विलंब नहीं करना। काशी में एक बड़े अच्छे विद्वान थे, उनके पास कुछ लोग बोले गए। बोले महाराज कल भी एकादशी है और आज भी एकादशी है, तो आज वाली करें कि कल वाली करें? तो महात्मा ने कहा कि आज वाली कर लो। बोले तो कल ही वाली कर लेंगे, जब करना है एक ही दिन तो आज क्यों, कल कर लेंगे। तो महात्मा ने हंसते हुए कहा आज वाली तो कर लो, अगर कल रहना तो कल वाली भी कर लेना। बोले कल का कौन ठिकाना, हो सकता है मर जाओ, तो इससे अच्छा कम से कम आज तो एकादशी हो जाएगी। अगर दो एकादशी पड़ी तो आज भी कर लो और कल है तो कल भी कर लो। यह भी एक पक्ष है। बहुत से लोग पूछते हैं अरे महाराज आज भी एकादशी कल भी एकादशी, कौन करें कौन ना करें? बोले उत्तम उत्तर तो यही है कि दोनों दिन कर लेना चाहिए। उत्तम उत्तर यही है महाराज, आज भी कर लो कल भी कर लो। हमारी अयोध्या में श्री जानकी घाट बड़ा स्थान, पूज्य श्री वेदांति जी महाराज बड़े अद्भुत महापुरुष, जो कि साधु समाज में सदा सभापति के पद पर ही रहे, साधु समाज में नित्य सभापति को पद पायो, आज भी उनके यहां गाया जाता है। बड़े अद्भुत विद्वान थे। उन महाराज श्री के पास सब लोग गए। असमर्थ लोगों ने कहा महाराज दसवीं से युक्त एकादशी, ये पहली एकादशी जो पड़े यही कर्तव्य लिखा है पुराणों में। वैष्णवों ने कहा कि द्वादशी से युक्त एकादशी, दसवीं विद्या नहीं होनी चाहिए, इसलिए ये पक्ष है और दोनों शास्त्र का पक्ष है, क्या करना चाहिए? तो महाराज जी ने कहा भाई ये भी पक्ष है ये भी पक्ष है, दोनों पक्ष मान्य है, दोनों करना चाहिए। तो लोगों ने कहा आप क्या करते हो? तो उन्होंने कहा कि भाई जब से एकादशी शुरू होती है जब तक खत्म न हो जाए, चाहे दो दिन रहे चाहे तीन दिन मानी जाए, हम सब रहते हैं, सब रहते हैं। इसलिए इस विवाद में पड़ना ही नहीं महाराज। अगर दो दिन एकादशी पड़ जाए तो दो दिन व्रत कर लो महाराज, क्या दिक्कत? तो महात्मा ने कहा कि कल भी एकादशी आज भी, तो आज वाली तो कर लो और रहना तो कल वाली भी कर लेना। इसका मतलब बोले कल का कोई ठिकाना नहीं, इसलिए अच्छे काम में विलंब नहीं करना। और भगवान की भक्ति में तो मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं, इसीलिए भगवान का नाम लेने में कोई मुहूर्त नहीं, कोई नियम नहीं, चाहे जब लो चाहे दिन में लो चाहे रात में लो, भाव से लो कुभाव से लो, सब कोई नियम नहीं। भगवान की कथा सुनने के लिए बोले इसमें भी कोई नियम नहीं। दिना नाम नियमो नास्ति, सर्वदा श्रवणम मतम। हम भगवान की शरण में जाए दीक्षा ले लें, बोले दीक्षा के लिए भी हमारे यहाँ कोई मुहूर्त नियम नहीं होता, काल नियमो नास्ति हमारे आचार्यों ने कहा। लोग कहते महाराज हमको मंत्र लेना है, हम गुरुमुख होंगे, हमको कान फुकवाना है। बहुत लोग कान ही फुकवाते हैं, अब कान में कोई कीड़ा पड़ा है कि फुकवाना है? कान फुकवाना विधि मात्र नहीं,
लेकिन अब लोगों की सोच होती है, दुनिया में सोचते जैसे सब काम करना, वैसे ये भी काम एक जरूरी है, कर लेंगे। बोले महाराज हमको कन्यादान करना है, कहीं मंत्र लेना है तो आप ही मंत्र दे दो, क्योंकि हमको कन्यादान करना। तो उनको मंत्र लेना उद्देश्य नहीं है, उनको कन्यादान करना है। सामाजिक एक व्यवस्था है कि बिना मंत्र लिए बिना दीक्षा लिए कन्यादान नहीं करना चाहिए, तो वो विधि पूरी कर लेते हैं, कान फुकवा लेते हैं। लेकिन इसको समझो, मंत्र दीक्षा लेना भगवान की शरणागति, भगवान की शरण में आना है, और वह भी आत्म कल्याण के लिए। शरणागति मंत्र दीक्षा केवल लौकिक प्रयोजन की सिद्धि के लिए नहीं है कि दुनिया का ये व्यवहार है, दुनिया के इस व्यवहार में यह भी एक काम जरूरी है, इस दृष्टि से इसको नहीं करना। ये तो आत्म कल्याण के लिए, तो आत्म कल्याण के लिए भगवान की शरण में हमको जाना है, इसके लिए कोई मुहूर्त। तो हमारे आचार्य कहते हैं दीक्षा लेने के लिए भगवान की शरण में जाने के लिए कोई मुहूर्त नहीं। देश काल नियमो नास्ति, न देश का नियम है न काल का नियम। किसी भी देश में जहां पर आपको सदगुरु मिल जाए, आपका मन बन जाए, वातावरण उपस्थित हो जाए, वहीं दीक्षा ले लो। न काल का नियम है न देश का नियम, देश काल नियमो नास्ति आचार्य ने कहा। तो भगवान की शरण में आने के लिए न काल का नियम है न देश का नियम है, कहीं भी कभी भी। हमारे तो आचार्य भगवान श्री रामानुजाचार्य ने अर्धरात्रि में दीक्षा ली, अपने आचार्य के साथ आ रहे थे, रास्ते में जंगल पड़ा, जंगल में कोदंड पानी भगवान का मंदिर था, वहीं पर दोनों रुके थे। भगवान रामानुजाचार्य को रात्रि में चिंता हुई कि जीवन अनित्य है, कल सवेरे जीवन रहेगा कि नहीं रहेगा, और कहीं आज जीवन समाप्त हो गया तो भगवान की शरणागति किए बिना ही संसार से चले जाएंगे। रात्रि में उठ करके ही गुरु जी का चरण पकड़ लिया महापूर्ण स्वामी का, गुरुदेव अभी आप मुझे समाश्रित करके भगवान की शरणागति करा दो। बोले सवेरा तो होने दो। रामानुज स्वामी ने कहा जीवन अनित्य है, अनित्यम असुखम लोकम, ये जीवन अनित्य है, कब समाप्त हो जाए कोई ठिकाना नहीं, इसलिए अभी आप मेरी शरणागति कराओ। तो अर्धरात्रि में ही कोदंड पाणी भगवान की सन्निधि में भगवान रामानुजाचार्य का समाश्रयण हुआ। तो भगवान की शरणागति में भी कोई मुहूर्त की जरूरत नहीं। और गोस्वामी तुलसीदास जी तो कहते हैं कि राम की शरण जाय सायित सुदिन न हेरिए, विनय पत्रिका में श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि राम की शरण जाए सायित सुदिन न हेरिए। भगवान की शरण में जाने के लिए न सायित देखने की जरूरत है न सुदिन देखने की जरूरत। बोले महाराज भद्रा हो, व्यतिपात हो, राहु काल हो, बोले सब हो, कोई चिंता नहीं। अगर भगवान की शरण में जा रहे हो, भगवान की कथा सुन रहे हो, भगवान का नाम ले रहे हो, भगवान का पूजन कर रहे हो, तो भयानक से भयानक काल भी मंगलमय हो जाएगा। क्यों? बोले तदेव लग्नम सुदिनम तदेव तारा बलम चंद्र बलम तदेव विद्या बलम दैव बलम तदेव लक्ष्मी पते तेंग्र युगम स्मरा। भगवान के चरणारविंद का जब स्मरण हो, उनकी आराधना हो, वही मंगल काल है, वही सुदिन है, वही सुंदर मुहूर्त है। महाराज भगवान की कथा में कोई मुहूर्त नहीं, जब अनुकूल वातावरण हो जाए भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए। ऐसे तो सर्वदा श्रवणम मतम। कथा होने लगी हरिद्वार में, सनकादिक कथा का वर्णन कर रहे थे, भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों आ गए। आए भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर के आ गई। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा, अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर के भक्ति आई। प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत, वो ऋषि मुनि महात्मा जो बैठे थे उन्हीं के बीचों बीच में आ गए। कैसे? जैसे इधर से लोग बैठे, इधर बैठे हैं, इधर बैठे हैं, और कोई व्यक्ति आ जाए यहां बीच में खड़ा हो जाए अचानक, और ऐसी परिस्थिति में आ जाए कि इधर के वाले भी न जान पावे, इधर वाले भी न जान पावे, इधर वाले भी न जान पावे, तब क्या होगा? बोले सब यही कहेंगे भाई किधर से आई, हमने नहीं देखा, हमने नहीं देखा, और यहां आ गई। वही स्थिति हो गई, हजारों लाखों मुनि महात्मा बैठे कथा सुन रहे थे, तब तक भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर के बीचों बीच में आ गई और खड़ी हो गई। प्रेमैक रूपा सहसा विराशीत, और वो भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य के साथ कुछ गुनगुना रही थी। क्या गुनगुना रही थी? सूत जी कहते हैं
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, यही कीर्तन वो भक्ति महारानी कर रही थी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव, कृष्ण गोविंद हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे नाथ नारायण राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा 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 राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा
राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे श्री कृष्ण हरे गुरु श्री राधा कृष्ण भगवान की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर के आ गई श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर वदन्ति बार बार इसी नाम को ले रही थी एक ही नाम को दो नाम को बार बार अलग अलग स्वर में उच्चरित किया जाए यही संकीर्तन बन जाता है भाई श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम बार बार मुहुर मुहुर एक ही नाम का उच्चारण करे वही नाम संकीर्तन होता है नाम संकीर्तन की ही परिभाषा है तो नाथेति नामानि मुहुर वदन्ति बार बार इसी नाम का संकीर्तन भक्ति महारानी कर रही थी लोगों ने देखा सबको आश्चर्य हुआ ये आई कहां से और सबने पूछ लिया सूत जी से वो सनकादिकों से कि कथम प्रविष्टा कथमागतेयम् ये कथम प्रविष्टा ये कैसे प्रविष्ट हुई किधर से आई कथमागतेयम् और इतना ही नहीं मध्ये मुनीनाम इति तर्कयन्तः मध्ये मुनीनाम मुनियों के मध्य में बीचों बीच में कैसे आ गई किधर से आए किसी ने देखा नहीं ऊचुक कुमारा सूत जी कहते हैं कि सनकादिकों ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया सनकादिकों ने कहा हे मुनियों ये कहीं से आई नहीं है आती तो कोई देख लेता बोले कोई आता तो उसे आते लोग देखते कोई जाता तो उसे जाते देखते इनको किसी ने आते देखा नहीं क्योंकि ये आई नहीं बोले तो ये पहले कहां थी पहले क्यों नहीं दिखी तो नारद जी ने कहा ओ सनकादिकों ने कहा कि देखो ये जो कथा सुन रहे हो ना इसी कथा में से इनका प्रादुर्भाव हुआ इसी में से निकली है हमारा कथार्थतो निष्पतिता धुनेयम यही उत्तर दिया कथार्थतः इस कथा का जो अर्थ है उसी अर्थ के अंदर से इनका प्रादुर्भाव हुआ है भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर के प्रकट हो इसका मतलब बोले हम आप जो ये कथा सुन रहे हैं इसी कथा के अंदर भक्ति ज्ञान वैराग्य बैठे भक्ति बाजार में नहीं मिलेगी भक्ति किसी मठ मंदिर में नहीं मिलेगी भक्ति ज्ञान वैराग्य कहीं किसी के जेब में नहीं रखा को निकाल के आपको दे देगा बोले तब बोले कथा में आओ ये जब कथा सुनोगे तो उसी कथा के अंदर से ज्ञान वैराग्य भक्ति प्रकट हो जाएंगी आपको मिल जाएगी कथार्थतो निष्पतिता धुनेयम और इसी कथा से तुरंत तुरंत निकली है अभी कथार्थतो निष्पतिता धुनेयम भक्ति महारानी का दर्शन करके लोग प्रसन्न हो गए भक्ति महारानी ने कहा ये बताओ हम आ तो गए लेकिन बैठे कहां आपके यहां सब सीट फुल है थोड़ी भी जगह नहीं इतनी भीड़ है हम कहां बैठे तो सनकादिकों ने कहा कि ये जितने मेरे श्रोता हैं कथा सुनने वाले इनके हृदय में जाकर के आप बैठ जाओ वहीं अपना आसन लगा महाराज निरंतरम वैष्णव मानसानी ये जितने वैष्णव हैं भगवत भक्त हैं इनके मन में जाकर के आप बैठ जाओ भक्ति महारानी मन में आकर के इसीलिए भक्ति को मन में रखना चाहिए सनकादिकों ने भी यही कहा कि इनके मन मन में बैठ जाओ निरंतरम वैष्णव मानसानी और यही भगवान ने भी कहा जब सबरी मैया को नवधा भक्ति का उपदेश किया तो नवधा भक्ति बताने के बाद भगवान ने बताते समय भगवान ने सबरी से कहा कि नवधा भगति कहूं तो ही पाही और सावधान सुन धर मन माही इसको मन में रखना क्योंकि भक्ति मन में रखने की चीज है ये बुद्धि में रखने की चीज नहीं बुद्धि में दुनिया का ज्ञान विज्ञान रखो लेकिन भक्ति को तो मन में रखो
भक्ति मन में विराजमान होती है। इसीलिए सनकादिकों ने कहा कि निरंतरम वैष्णव मानसानी, वैष्णवों के भक्तों के मन में प्रतिष्ठित हो जाओ। भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर के मन में प्रतिष्ठित। सूत जी कहते हैं कि भक्ति जब हृदय में आकर के बैठ गई, जिसके हृदय में भक्ति आ गई उसका जीवन धन्य हो गया। सकल भुवन मध्ये निर्धनास्ते पि धन्याः, इस संसार में जो निर्धन है वो भी धन्य हो गए, वो भी धन्य हो जाते हैं। बोले कब? बोले निवसत हृदय शाम श्री हरेर भक्ति रेखा, जिसके हृदय में जिसके मन में भगवान की भक्ति आ गई वही धन्य है, वही धन्य है, बाकी कोई धन्य नहीं है। भले किसी के पास कितना धन हो जाए लेकिन वो धन्य नहीं है, और भले वो निर्धन हो लेकिन भगवान की भक्ति अगर उसके हृदय में है तो वही धन्य है। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते पि धन्या, इस प्रकार भक्ति महारानी स्वस्थ हो गई। देवर्षि नारद ने ज्ञान वैराग्य भक्ति को कथा सुना करके स्वस्थ कर दिया। इसके बाद कथा की महिमा का वर्णन करते हुए आत्मदेव ब्राह्मण का उपाख्यान सुनाया सनकादिकों ने। तुंगभद्रा नदी के तट पर आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। उन्हें कोई संतान नहीं थी, पुत्र की प्राप्ति के लिए अनेकानेक साधन किया लेकिन संतान की प्राप्ति नहीं हुई, अंत में दुखी होकर के मरने जा रहे थे। एक सन्यासी मिल गए, सन्यासी ने कहा मरो मत, आत्महत्या का पाप लगेगा। आत्मदेव ने कहा मेरे कोई संतान नहीं है, ये पुत्रहीन जीवन से तो अच्छा मर जाना है, क्योंकि उस समय पुत्र हो जाए यही प्रिय लग रहा था, वो प्रिय था श्रेय नहीं था। प्रेय और श्रेय में अंतर होता है। प्रेय क्या है? बोले प्रेय का मतलब जो आज अच्छा लगे और जिसके लिए बेचैनी हो कि ये मेरे मिल जाए तो कितना अच्छा है। तो आज जो तुमको बहुत अच्छा लगे और कल वो अच्छा न लगे वो तो प्रेय है, और जो आज भी अच्छा लग रहा है आज के बाद भी अच्छा लगेगा और पहले भी अच्छा था वो श्रेय है। जो आज प्रिय लग रहा है लेकिन आज के बाद काल पाकर के परिस्थिति पाकर के समय पाकर के जो बदल जाए विकृत हो जाए वो प्रिय, और जो पहले भी वही था आज भी वही है और काल परिस्थिति में भी वही रहेगा उसमें कोई बदलाव नहीं होगा उसको कहते हैं श्रेय। यही हमारे जीवन में समझ में नहीं आता। हम पढ़ लिख लेते हैं, बुद्धिमान हो जाते हैं, वस्तुओं का संग्रह भी कर लेते हैं लेकिन श्रेय और प्रेय का निर्णय नहीं कर पाते कि श्रेय क्या है प्रेय क्या है। इसका निर्णय करने की क्षमता हो जाए तो प्रेय को छोड़ करके श्रेय का हम वर्ण करें तो हम कभी दुखी नहीं। हम दुखी क्यों होते हैं कि हम श्रेय का वर्ण नहीं करते, हम प्रेय का वर्ण करते। आज हमको प्रिय लगता है तो सोचते हैं इसको करी डालें, बाद में फिर वो प्रिय नहीं लगती। जो चीज आज बहुत प्रिय लगती है कल वही गले की फांसी बन जाती है उसके लिए। आज जिस चीज के लिए वो तड़पता है कल उसी से उसको घृणा हो जाती, फिर वो चीज उसे वैसी अच्छी नहीं लगती। क्यों? बोले वो प्रिय थी, वो श्रेय नहीं थी। और श्रेय क्या है? बोले श्रेय भगवान है, भगवान की भक्ति श्रेय है, ज्ञान श्रेय है, भक्ति का मार्ग श्रेय है, धर्म का आचरण श्रेय है। जो पहले भी अच्छा था आज भी अच्छा है और वो सदा अच्छा रहेगा, उसमें कभी विकार नहीं होगा। लेकिन हम श्रेय की अनदेखी करके प्रेय का वर्ण करते हैं। आज हमको प्रिय लगता है वो हम करें, कल वही हमको प्रिय नहीं लगता, कल हम उसकी कामना नहीं करते, कल उससे हमको घृणा हो जाती है। और इस प्रकार हमारे जीवन में बार बार धोखा चलता रहता है, कारण कि हम प्रेय का ही वर्ण करते हैं। तो श्रेय जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम प्रेय के पीछे भागते हैं और प्रेय हमें धोखा ही देता। यही आत्मदेव ब्राह्मण को समझ में आ रहा था कि पुत्र की प्राप्ति हो जाए यही प्रिय है, इसके बिना तो जीवन ही बेकार है, ये मिलेगा तभी हम रहेंगे नहीं तो मर जाएंगे। इतना पुत्र मोह था क्योंकि वो प्रिय था। और आगे कथा आपने सुनी है, पूरी कथा मैं नहीं सुनाऊंगा केवल सूत्र बता रहा हूं। वही
आत्मदेव ब्राह्मण जिस पुत्र के लिए मरने जा रहे थे, इतना प्रिय था कि ये नहीं मिलेगा तो हम रह नहीं पाएंगे, वही पुत्र उनके लिए इतना दुखदाई हो गया कि उससे इतनी घृणा हो गई कि अब हमको मरना है, अब हम मरने जा रहे हैं, फिर मरने जा रहे हैं। फिर तो गोकर्ण जी ने इसका निर्णय किया कि आप जिस प्रिय के चक्कर में पड़े थे उस दिन वो तुमको प्रिय लग रहा था, आज वही अप्रिय हो गया, क्योंकि तुमने प्रिय का वर्ण किया, श्रेय का वर्ण नहीं किया। इसलिए गोकर्ण जी ने समझाया कि पिताजी देहे स्थिमाम से रुधिरे भीमतिम त्यजत्तम जाया सुतादिशु सदा ममताम विमुंच पश्यानिशम जगदिदम क्षण भंगनिष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठः। हे पिताजी, इस प्रेय के चक्कर में मत पड़ो, श्रेय का वर्ण करो। प्रेय तो परिवर्तनशील होता है, श्रेय कभी परिवर्तनशील नहीं होता, और श्रेय तो भगवान है, श्रीपति है, और आत्मदेव ब्राह्मण तो अपने पुत्र गोकर्ण के उपदेश से वैराग्य संपन्न हो गए। उनका बेटा धुंधकारी महानालायक हुआ। गोकर्णो महाज्ञानी धुंधकारी महाखल, धुंधकारी महान दुष्ट हुआ, महान खल, महान खल। अपनी मां को मारे, मां को गालियां दे, जिसका खाए उसी को मारे। एक महात्मा कहते थे खल माने क्या, तो दूसरे महात्मा ने कहा खल का मतलब खा माने खाए और ला माने लड़े, तो खाए और लड़ाई करे उसका नाम खल। तो दूसरे महात्मा ने कहा नहीं नहीं, इसमें थोड़ा संशोधन कर लो। बोले क्या? बोले जिसका खाए उसी से लड़े उसका नाम खल। तो ऐसे ही वो था महाराज धुंधकारी महाखल, जिस माँ बाप ने खिलाया पाला उन्हीं से लड़ रहा, उन्हीं को गाली दे रहा, माँ बाप को मारे। पिताजी तो वैराग्य संपन्न होकर के चले गए। माँ धुंधकारी की धुंधली लात जूते खाती रही। एक दिन दुखी होकर के उसने भी अग्नि में कुएं में कूद करके अपने प्राणों का त्याग कर दिया। धुंधकारी ने समस्त पापाचार किए, गणिकाओं को ला करके घर में रख लिया। अंत में धन के लोभ में उन्हीं गणिकाओं ने उसे मार डाला। अकाल मृत्यु के कारण धुंधकारी प्रेत हो गया। उनके भाई गोकर्ण जी ने गया में श्राद्ध किया, लेकिन मुक्ति नहीं हुई। लौट करके आए तो धुंधकारी प्रेत बनकर के सामने आ गया। गोकर्ण जी ने पूछा तुम कौन हो? धुंधकारी ने कहा कि अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि, मैं तुम्हारा भाई हूं। धुंधकारी इति नामतः, मेरा नाम धुंधकारी। बोले तुम प्रेत हो गए, तुम्हारे लिए तो मैंने गया में श्राद्ध किया था। तो धुंधकारी ने कहा कि गया श्राद्ध सते नापि मुक्तिर मे न भविष्यति, 100 बार गया में मेरा श्राद्ध करो फिर भी मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी, मैं इतना बड़ा पापी, मेरी मुक्ति का कोई उपाय करो, मेरा उद्धार करो। महाराज वो प्रेत गोकर्ण जी के पास उद्धार करने के लिए आया, और किसी के पास नहीं गया। आजकल लोग कहते महाराज ये प्रेत हो तो काल्पनिक है, भूत प्रेत नहीं होते, विज्ञान इनको नहीं मानता, हमने आज तक कोई भूत नहीं देखा, इतनी भूत प्रेत की कहानी होती। और लोग कहते महाराज उनको प्रेत मिला, उनको प्रेत मिला, हमको तो आज तक कोई प्रेत नहीं मिला। हमारे गुरुजी इसका उत्तर देते, गुरुजी कहते हैं कि आजकल लोगों को प्रेत भी नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? बोले प्रेत स्वयं दुखी हैं, वो प्रेत योनि में दुख भोग रहे हैं, तो वो मनुष्यों के पास इसलिए आते हैं कि मनुष्य मुझसे श्रेष्ठ है, इसके कर्म अच्छे हैं, इसके पास मैं जाऊंगा तो ये मेरे उद्धार का कोई उपाय करेगा। इसलिए प्रेत भूत मनुष्यों से मिलते थे, आते थे। लेकिन आज के प्रेतों ने देखा कि ये मनुष्य सो तो मुझसे भी बड़े प्रेत हो चुके, ये अपना उद्धार नहीं कर सकते, हमारा क्या उद्धार करें। इसलिए प्रेत भी मनुष्य के सामने आने को तैयार नहीं। पहले ये भूत प्रेत भी मनुष्यों को क्यों मिलते थे? इसलिए कि मेरा कल्याण कर दे। विराध भगवान को मिला क्यों? बोले जानता था इन्हीं से मेरा कल्याण होगा। कबंद का भगवान ने कल्याण किया, सब वाल्मीकि रामायण में जो प्रसंग है कि दासरथी राम आएंगे तो ये हमारा उद्धार करेंगे। तो उसी प्रकार जिसके अंदर ऐसी योग्यता होगी वही ना उद्धार करेगा। तो प्रेत तो जानते हैं कि ये तो हमसे भी बड़े प्रेत हो चुके, ये अपना उद्धार नहीं कर सकते, हमारा कल्याण क्या करेंगे। इसलिए भूत प्रेत भी किसी को नहीं मिलते महाराज।
कारण यही सही बात है। धुंधकारी गोकर्ण जी के सामने आ गया क्योंकि गोकर्ण जी ज्ञानी है, ये उद्धार कर सकते हैं, इसीलिए उनके सामने आया, सबके सामने नहीं गया। तो गोकर्ण जी ने कहा अच्छा गया श्राद्ध से तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई तो मैं कोई उपाय करता हूं। गोकर्ण जी महाराज ने संध्या वंदन किया और सूर्य भगवान से पूछा हे भुवन भास्कर, हे मरीचमाली, हे तरणी, हे भास्कर, आप समस्त विद्याओं के अधिष्ठाता हो, आप ही कृपा करके बताओ कि जिस प्राणी की मुक्ति गया श्राद्ध करने पर भी न हो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो सूर्य भगवान की किरणों से स्पष्ट आवाज आई कि सप्ताह वाचनम कुरु, श्रीमद् भागवत महापुराण की साप्ताहिक कथा का अनुष्ठान करो। विधि पूर्वक साप्ताहिक कथा के अनुष्ठान से, भागवत की कथा के श्रवण से बड़े पापी का भी उद्धार हुआ। गया श्राद्ध करने पर भी जिसकी मुक्ति न हो उसकी मुक्ति भागवत की कथा सुनने से। फिर तो गोकर्ण जी महाराज ने भागवत की कथा का आयोजन किया, 7 दिन की सप्ताह हुई और जब 7 दिन कथा हो गई तो 7वें दिन धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त हो गया। एक बांस के खंभे में बैठ करके वो कथा सुन रहा था और सुन करके मुक्त हो गया क्योंकि वो आत्म कल्याण करना चाहता था। देखो हम स्वयं अपनी आत्मा के शत्रु भी हैं और स्वयं मित्र भी, हम स्वयं अपने विनाश के कारण भी हैं और अपने कल्याण के भी कारण। हम जब चाहेंगे तभी हम अपना कल्याण कर पाएंगे और नहीं चाहेंगे तो दुनिया कोई कितना भी करे क्या कर पाएगी जब हम ही नहीं चाहेंगे। तो जो चाहेगा कि हमारा कल्याण हो उसका कल्याण होगा, धुंधकारी चाहता था इसलिए उसका कल्याण हो गया और वो बांस में बैठ करके कथा सुन करके मुक्त हो गया। आज बिस्तर लगा दो लोगों के लिए, सोफा लगा दो, गद्दा लगा दो, लेटरिन बाथरूम अटैच रूम एसी रूम मिल जाए, खाने की सुविधा मिले, फिर भी कथा सुनने को तैयार नहीं, कहां से उद्धार होगा। जब स्वयं नहीं चाहोगे कि मेरा कल्याण हो तो कैसे होगा। बिस्तर पर बैठ करके व्यक्ति कथा नहीं सुन पा रहा और वो बांस में बैठ करके कथा सुन लिया और तर गया हमारा, दिव्य स्वरूप की प्राप्ति हो गई। सूत जी कहते हैं कि दिव्य रूप धरो जातस तुलसी दाम मंडितः, दिव्य रूप धरो। 7वें दिन कथा जब समाप्त हुई तो बांस फटाफट से और दिव्य रूप में प्रकट हो गया धुंधकारी। ऐसा दिव्य रूप तुलसी दाम मंडितः, गले में तुलसी की माला, पीतांबर, मोर मुकुट, घनश्यामो मुकुटी, कुंडलान्वितः, सुंदर कुंडल आभूषण से अलंकृत दिव्य रूप में धुंधकारी प्रकट हो गया और अपने भाई को प्रणाम किया गोकर्ण जी को। ननाम भ्रातरम सद्यो गोकर्णमिति चाब्रवीत, गोकर्ण जी को प्रणाम करके धुंधकारी ने कहा भैया त्वया हम मोचितो बंधो, हे बंधु तुमने मुझको मुक्त कर दिया, आज मैं धन्य हो गया, अब मैं मुक्त होकर के भगवत धाम जा रहा हूं, कृपया प्रेत कलमशात, प्रेत के कलमस से, प्रेत योनि से मैं मुक्त हो गया और धन्या भागवती वार्ता। धुंधकारी मुक्त होने के बाद कहता है ये भागवत की कथा धन्य है, धन्या भागवती वार्ता, प्रेत पीड़ा विनाशिनी, ये तो प्रेत पीड़ा का भी विनाश करने वाली और आज मैं मुक्त होकर के जा रहा। जाते जाते धुंधकारी ने कहा कंपन्ते सर्व पापानी सप्ताह श्रवणे स्थिते, जो व्यक्ति साप्ताहिक कथा सुनने का संकल्प करके बैठ जाए कि 7 दिन हम नियम से भगवान की कथा सुनेंगे तो उसके जीवन के जितने पाप हैं सब कांपने लगते हैं। कंपन्ते सर्व पापानी, सब पाप कांपने लगते हैं, उसके शरीर से निकल करके बाहर खड़े हो जाते हैं और चिल्लाते हैं। क्या कहते हैं? बोले परस्पर सब पाप एक दूसरे से बात करने लगते हैं। बोले अब क्या होगा? अस्माकं प्रलयं सद्यः कथाचेयं करिष्यति, अरे ये कथा सुनने जा रहा है और जो कथा ये सुनेगा वो कथा कैसी है? बोले अस्माकं प्रलयं सद्यः, ये तो हमारा प्रलय कर देगी, हमारा नाश कर देगी, सारे पाप चिल्लाने लगते हैं कि ये कथा मेरा विनाश कर देगी और सब पाप छोटे बड़े सब पुराने नए
ताजे बासी सब आर्द्रम शुष्कम लघु स्थूलम बांग मनक कर्म विकृतम, छोटे बड़े ताजे पुराने मन वचन कर्म से किए गए समस्त प्रकार के पाप श्रवणम विदहेत पापम, भगवान की कथा सुनने मात्र से वो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। किस प्रकार? बोले पावक समिधो यथा, जैसे धधकती हुई आग में आप 1000 वर्ष पुरानी लकड़ी डाल दो, किसी के घर में कोई फर्नीचर हो 1000 वर्ष पुराना, वो पुरानी लकड़ी डाल दो अभी जल जाएगी, अभी ताजा ताजा कोई लकड़ी ले आओ डाल दो वो भी जल जाएगी, गीली लकड़ी डालो बोले वो भी कुछ देर में जल जाएगी, भले थोड़ा देर लगे लेकिन जल जाएगी, सूखी डालो बोले वो भी जल जाएगी। उसी प्रकार पुराने पाप, नए पाप, छोटे पाप, बड़े पाप, ताजा पाप, बासी पाप, सब भगवान की कथा में सब भस्मसात हो जाते हैं। आर्द्रम शुष्कम लघु स्थूलम बांग मनक कर्म विकृतम श्रवणम विदहेत पापम पावक समिधो यथा। धुंधकारी ने भागवत की बड़ी महिमा बताई और मुक्त होकर के धुंधकारी चला गया। फिर तो लोगों ने कहा भाई ये कथा तो बड़ी विलक्षण है, ये सबको मुक्त कर देने वाली, हम समझ नहीं पाए थे, हम तो यही सोच रहे थे कि ये कोई ऐसे ही है, चलो सुनते हैं, इसका इतना महत्व है हम नहीं समझ पाए, इतना हम समझे होते तो हम ठीक से सुनते हम भी मुक्त हो जाते, ये तो धोखा हो गया। तो गोकर्ण जी ने कहा कोई बात नहीं दोबारा सुन लो, ये तो घर की खेती है, लगे हाथ दूसरी कथा हो जाए। तो गोकर्ण जी महाराज ने फिर दूसरी कथा शुरू कर दी। जब दोबारा कथा हुई तो जितने गांव के श्रोता थे सब तन्मय होकर के सुने और महाराज सब मुक्त हो गए। जब कथा समाप्त हुई तो अंतिम दिन विमान आया और सब विमान में बैठकर भगवत धाम जाने लगे। किस प्रकार से? सूत जी कहते हैं कि अयोध्या वासिन पूर्वम यथा रामेण संगताः, अयोध्या वासिन पूर्वम यथा रामेण संगताः, त्रेता युग में भगवान श्री राम जब अपने धाम जाने लगे तो जिस प्रकार सब अयोध्यावासी उनके साथ चले गए एक भी नहीं बचे, घास नहीं बची अयोध्या में महाराज, सब चले गए। ज्ञान क्रिया भजन लभ्यम अलभ्यम अन्यैहि एतेन केन वरदोत्तर कोसलस्थाः पूर्वम सदूर्वम अभजन्त हि जन्तवस्त्वाम्। हमारे आचार्यों ने भगवान से प्रश्न किया, आचार्य प्रश्न करते हैं कि ज्ञान कर्म भक्ति ये तीन मुक्ति का साधन शास्त्रों में बताया गया। ज्ञान क्रिया भजन लभ्य, ज्ञान क्रिया माने कर्म, भजन माने भक्ति, ज्ञान कर्म भक्ति, ज्ञान क्रिया भजन लभ्य अलभ्य अन्यैहि, अन्य साधन से भगवान अलभ्य, लेकिन एतेन केन वरदोत्तर कोसलस्थाः, हे भगवान आप बताओ कि इन तीन साधनों में कर्म ज्ञान भक्ति, इन तीनों में से कौन सा साधन अयोध्या के लोगों ने किया था? अयोध्या की घास ने, अयोध्या की दूर्वा ने, अयोध्या के पेड़ ने ऐसा कोई साधन किया था? उन्होंने तो नहीं किया था कुछ। बोले तो वो बैकुंठ कैसे चले गए? पूर्वम सदूर्वम अभजन्त हि जन्तवस्त्वाम्, बिना कारण के कार्य की सिद्धि कैसे हो गई है? बिना कारण के कार्य की सिद्धि हो जाए तो इसको न्याय शास्त्र में व्यभिचार कहते हैं, कारणाभावे कार्योत्पत्ति ही व्यभिचार न्याय शास्त्र में कहते हैं। तो कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति को व्यभिचार कहा जाता है और बिना कारण के एतेन केन वरदोत्तर कोसलस्थाः पूर्वम सदूर्वम अभजन्त हि जन्तवस्त्वाम्। बोले बात ठीक है लेकिन न्याय और सांख्य की गति वहां तक है जहां तक बुद्धि है और ये भगवत विषय तो इन सब विषयों से परे है, भगवान के लिए कोई ऐसा व्यभिचार उपचार का नियम लागू नहीं होता, वो सर्व समर्थ हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बिना कारण के भी किसी का कल्याण कर सकते हैं, क्योंकि अकारण करुणा वरुणालय है, अकारण करुणा वरुणालय है, वहां कारण का अन्वेषण महत्वपूर्ण नहीं। तो जिस तरह अयोध्या की दूब घास सब वैकुंठ चले गए, उसी प्रकार कथा सुनकर के गोकर्ण जी महाराज के जितने श्रोता थे अयोध्यावासिन पूर्वम यथा रामेण संगताः तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभम, सब चले गए गोलोक, सबको गोलोक की प्राप्ति हो गई। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा का वर्णन किया। अद्भुत है ये श्रीमद् भागवत महापुराण, समस्त पापों से मुक्त कर देने वाला दिव्य ग्रंथ, कृष्ण स्वरूप, इसके सुनने की
संक्षिप्त विधि का वर्णन सनकादिकों ने किया कि कथा कैसे सुननी चाहिए। कहते महाराज सबसे पहले तो योग्य वक्ता का चयन करना चाहिए। वक्ता कैसा हो? बोले वक्ता कैसा हो? बोले विरक्तो वैष्णवो विप्रो। वो विरक्त हो, वैष्णव हो और ब्राह्मण हो। विरक्तो वैष्णवो विप्रो। विप्र क्यों कहा? विप्र का मतलब विशेष रूपेण प्रपूरयत इति विप्रः। जो ज्ञान का भंडार हो और विशेष रूप से तुमको प्रपूरित कर दे, भर दे, तुम्हारे हृदय को भक्ति भाव से भर दे, ऐसा विप्र। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत। जिसने शुद्ध रूप से वेद शास्त्र का अध्ययन किया हो, दृष्टांत कुशलो धीरः, और अनेक प्रकार के दृष्टांत और उदाहरण देकर भगवान की कथा को आपके मस्तिष्क में, बुद्धि में, मन में उतार दे सुगमता से, ऐसा वक्ता हो। और निष्प्रिय हो, और कैसा वक्ता नहीं होना चाहिए? कहते हैं अनेक धर्म विभ्रांता। अनेक धर्म में जिसको भ्रम हो, कभी वो शरणागति में भरोसा करे, कभी कर्म में भरोसा करे, कभी ज्ञान का भरोसा कर ले, विभिन्न साधनों में जिसकी मति जाती हो, वो कौन है? बोले अनेक धर्म विभ्रांत। कभी सोचता है ज्ञान से कल्याण होगा तो ज्ञान की निष्ठा करने लग जाए, कभी भक्ति में रुचि हो जाए तो भक्ति से कल्याण चाहने लग जाए, कभी सोचे कर्म से ही कल्याण होगा तो कर्म की निष्ठा प्रबल हो जाए तो ज्यादा कर्म कांड में ही रुचि हो जाए। इस प्रकार जिसकी निष्ठा क्षण क्षण बदलती रहती है, वो कौन है? बोले अनेक धर्म विभ्रांता। एक निष्ठ नहीं है, भगवान में उनको भरोसा नहीं। ऐसे लोगों से भी कथा नहीं सुननी। और कैसे से कथा नहीं सुननी? बोले स्त्रैणा। जो स्त्रैण हो, स्त्रैण का मतलब, स्त्रैण का मतलब जो स्त्री के गुलाम, स्त्रैण। तात्पर्य यह है कि जिनके अंदर आसक्ति भरी हो और सदा संसार के भोगादि में ही प्रवृत्त रहते हो, ऐसे स्त्रैण, उनसे कथा नहीं सुननी। और बोले पाखंडवादिनः, पाखंडवादी से कथा नहीं सुननी। भले वो विद्वान क्यों न हो, लेकिन शुक शास्त्र, ये श्रीमद् भागवत योग्य महापुरुष से ही श्रवण करना चाहिए। और सुनते समय पवित्रता का ध्यान और जो कुछ नियम हैं उन नियमों को धारण करना चाहिए। पवित्र आहार करते हुए, भूमि पर शयन करते हुए और 7 दिन हो सके तो फलाहार करके, व्रत करके कथा सुना। सबसे उत्तम है कि कुछ न खाए, पानी भी न पिए। आप कहोगे महाराज मर जाएंगे, बोले घबराओ मत, आगे की बात भी बताएंगे। सबसे उत्तम पक्ष तो यह है कि जल भी न पिए, केवल कथा को पिए, कथा ही पीते रहो, सबसे उत्तम पक्ष है। ये प्रथम पक्ष है। इस पक्ष के परीक्षित जी श्रोता हैं, आगे प्रमाण आएगा 10वें स्कंद में। परीक्षित ने यही कहा, त्यक्तोदमपि बाधते। हे गुरुदेव, आपके मुख से निकलने वाली कथा को सुनकर के न हमको भूख लग रही है न प्यास लग रही है। आज 3 दिन बीत गए, 4th दिन है। 4th दिन तो कहा था 10वें स्कंद की कथा जब आई तो, कि 3 दिन बीत गए न प्यास लग रही न भूख लग रही है। जिस प्यास से व्याकुल होकर के पानी के लिए मैं महर्षि के कुटिया में गया और मैं अपना आपा खो बैठा और एक मरे हुए सांप को महात्मा के गले में डाल दिया क्रोध में आकर, आज वही प्यास वही भूख कहां चली गई मुझे पता नहीं। क्यों? बोले आपके मुख से निर्गलित होने वाली इस कृष्ण कथामृत को पी करके मैं तृप्त हो रहा हूं, न मुझे भूख लग रही है न प्यास लग रही है। ये उत्तम पक्ष है। लेकिन अब ये बहुत ऊंची स्थिति है, राजा परीक्षित जैसा महापुरुष हो और सुखदेव जैसा सुनाने वाला हो, तो न परीक्षित जैसा जीवात्मा मिलेगा न सुखदेव जैसा सुनाने वाला मिलेगा। बात दोनों ठीक है, लेकिन फिर भी तो उसके आगे का पक्ष क्या है? बोले पानी पी करके नहीं, पानी अन्न कुछ नहीं लेना,
और दूसरा पक्ष है बोले केवल पानी पीकर के सात दिन कथा सुनना है? और केवल पानी पीकर के बस। बोले महाराज इसमें भी नहीं चलेगा, तो बोले एक चीज और बढ़ा लो, पानी भी पी लो दूध भी ले लो, दूध केवल पीकर के सात दिन कथा सुनना। बोले महाराज इतने में नहीं चलेगा, बोले तो इतने में नहीं चलेगा तो थोड़ा फल भी ले लो, फल और दूध और पानी लेकर के सात दिन कथा सुनना। ऐसे भी हमारे एक श्रोता यहाँ पे है, वो जहां जाते हैं हमारी कथा सुनने के लिए वो सात दिन ऐसे ही रहते हैं, दूध ही फल लेकर, नाम नहीं बताएंगे, नाम इसलिए नहीं बताएंगे कि उनको कष्ट हो जाएगा कि स्वामी जी हमारा प्रचार कर रहे हैं। तो ऐसे भी श्रोता होता दूध और फल लेकर पानी लेकर के सात दिन कथा सुनना। बोले महाराज इतने में हमारा काम नहीं चलेगा, बोले तो ठीक है थोड़ा और भी बना लो, दूसरे प्रकार से फलाहार कर लो, आलू को फ्राई कर लो, पकौड़ी बना लो, कूटू के आटा की पकौड़ी बनाओ, फलाहार करो दोनों टाइम। बोले महाराज चार बार खाना पड़ेगा, बोले कोई बात नहीं आठ बार नाश्ता करो, किसकी भी छूट। बोले महाराज हम बिना अन्न के नहीं रह सकते, बोले तो ठीक है एक टाइम अन्न खाओ एक टाइम फलाहार कर लो कथा सुनो। आदमी ने कहा नहीं महाराज हम दोनों टाइम खाएंगे, एक टाइम से हमारा काम नहीं चलेगा। तो अंत में सूत जी महाराज ने कहा कि तुम दोनों टाइम खाओ, डट करके खाओ कोई बात नहीं, लेकिन कथा सुनो, कथा सुनना जरूरी है। भोजनम तो बरम मन्ने, अगर दोनों टाइम भोजन करते हो तो कोई आपत्ति नहीं है, अच्छी बात है। कथा श्रवण कारकम, अगर कथा सुनने में मन लग रहा है और दो टाइम खाने में तुम्हारी रुचि है, खाने के बाद ही कथा सुन सकते हो तो कोई बात नहीं, खाओ और कथा सुनो, क्योंकि उद्देश्य कथा सुनना। ये सारे नियम बताए और यहां तक बताया कि विष्णु दीक्षा विहीनानाम नाधिकार कथा श्रवे। इस पंक्ति पर भी कभी विचार करना चाहिए, श्रोता वक्ता दोनों को विचार करना चाहिए। विष्णु दीक्षा विहीनानाम ये बात अलग है कि अपने अपने मत की पुष्टि के लिए लोग इस पंक्ति का तोड़ मरोड़ करके अर्थ निकाल सकते हैं और अनेक प्रकार का अर्थ निकल भी सकता है, लेकिन जो सहज अर्थ हो और जो संभाव्य हो वही अर्थ ग्रहण करना चाहिए। खींच खांच नीज माज शास्त्र को न गीजिए, हमारे संतों ने कहा कि शास्त्र में खींचातानी नहीं करनी चाहिए, मनमाना अर्थ अपने मन के अनुकूल करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग अपनी बात को, अपनी बात को सिद्ध करने के लिए शास्त्र की पंक्तियों का मनमाना अर्थ कर देते, कहते नहीं ऐसा है, तो वो खींचा ताना वाला अर्थ है हमारा। खींच खांच मीज माज शास्त्र को न गींजिए, जामे रस बनो रहे सोई अर्थ कीजिए, जिसमें रस बना रहे वो अर्थ करना चाहिए, मनमाना नहीं करना चाहिए। और इस पंक्ति का सीधा सीधा अर्थ क्या है, बोले विष्णु दीक्षा विहीनानाम नाधिकार कथा श्रवे। जिसने वैष्णव दीक्षा नहीं ली, विष्णु दीक्षा विहीनानाम, इसमें व्याकरण काव्य कोश लगाने की जरूरत नहीं, सीधा अर्थ है विष्णु दीक्षा विहीनानाम, जिसने विष्णु दीक्षा नहीं ली, जो वैष्णव नहीं हुआ, वैष्णव संप्रदाय से संबद्ध होकर के दीक्षित होकर के भगवत भक्ति में नहीं लगा, नाधिकार कथा श्रवे, नाधिकार कथा श्रवे, उसको भगवान की कथा सुनने का भी अधिकार नहीं। भगवान की कथा सुनने का अधिकार उसी को है जो वैष्णव दीक्षा संपन्न। अब यहीं से दूसरी बात समुद्भूत होती है कि भगवान की कथा सुनाने का किसको अधिकार है। बोले जब सुनने वाले के लिए इतना कठिन नियम है कि विष्णु दीक्षा विहीना नाम नाधिकार कथा श्रवे, उसे कथा सुनने का अधिकार नहीं है, तो सुनाने वाले के लिए तो और अनिवार्य है, अर्थात कथा सुनाने वाले को तो वैष्णव होना ही चाहिए, वैष्णव को ही भागवत की कथा सुनाने का अधिकार है। वैष्णव क्यों, बोले ये वैष्णवों का धन है। श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानाम धनम, ये वैष्णव का धन है, ये ऐरे गैरे नथु खैरे का धन नहीं है, ये वैष्णवों का परम धन है। श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानाम धनम यत्त ज्ञान विराग भक्ति सहितम पारम परम गीयते, परम तत्व का इस पुराण में गान किया गया, इसलिए वैष्णव ही इस कथा के
वक्ता और श्रोता है। वैष्णव का मतलब जो भगवान विष्णु को, भगवान श्री राम को, भगवान कृष्ण को परम तत्व के रूप में मानता हो और उन्हें सगुण साकार रूप में अनुभव करते हुए परम तत्व के रूप में परमात्मा विष्णु को नियामक मानकर उनके प्रति श्रद्धावनत होकर उनके चरणों में आत्मसमर्पण कर चुका हो, ऐसे जीवात्मा ही वैष्णव है। वैष्णव का मतलब जो भगवान विष्णु के परत्व को स्वीकार करता, परत्व का मतलब परम तत्व, सुप्रीम पावर, सुपर सोल, परमात्मा कौन है, बोले इस संदर्भ में उसके मन में कोई भ्रांति न हो, वो ये मानता हो कि भगवान विष्णु ही परम तत्व है। परम तत्व के रूप में जिसने विष्णु भगवान को स्वीकार कर लिया वही वैष्णव है, और जिसको परम तत्व में संदेह है, ये भी परब्रह्म वो भी परब्रह्म, सब धान बाईस पसेरी, बोले वो वैष्णव, सब धान बाईस पसेरी वाले नहीं, महाराज भगवान नारायण ही परम ब्रह्म है और वही नारायण राम है, वही कृष्ण है, राम कृष्ण नारायण में कोई अंतर नहीं, क्योंकि वेदों ने कहा नारायणात ब्रह्मा जायते, नारायणात रुद्रो जायते, नारायणात प्रजापति प्रजायते, नारायणात द्वादशादित्या रुद्रा वसव सर्वाणि छंदांसि, नारायणादेव समुत्पद्यन्ते, नारायणात प्रवर्तन्ते, नारायणे प्रलीयन्ते एतद् ऋग्वेद शिरोधीते, वेद ने कहा। तो भगवान ही मूल कारण तत्व है, उन्हीं से सब उत्पन्न हुआ, तो परम तत्व के रूप में जो भगवान विष्णु को, नारायण को, रामकृष्ण को अनुभव करता है, मानता है, वही वैष्णव है। ऐसे वैष्णव ही कथा सुनने और सुनाने के अधिकारी हैं। एक अध्याय में इन सब विषयों का वर्णन किया, कथा सातवें दिन जब समाप्त हो तो विधि पूर्वक भंडारा करना चाहिए, वैष्णवों को भोजन कराना चाहिए और भागवत के अनुष्ठान में कम से कम 5 ब्राह्मण के द्वारा पाठ पारायण होना चाहिए। वर्णम पंच विप्राणाम कथा भंग निवृत्तये, कथा में भंग न हो, कथा में बाधा न हो, इसलिए 5 ब्राह्मण के द्वारा अनुष्ठान होना चाहिए और 7 दिन विधि पूर्वक अनुष्ठान हो। यहां तो इतने ब्राह्मण अनुष्ठान कर रहे हैं, जितने जजमान नहीं उससे ज्यादा ही ब्राह्मण, हाजी आज तो लिस्ट बन रही थी तो लोगों ने कहा महाराज जजमान नहीं है, ब्राह्मण ज्यादा है, हमने कहा जितने ज्यादा हैं उन सबके जजमान हम हैं, हम ही को जजमान मान लेना, हमारे नाम का संकल्प कर देना, सब ठाकुर जी को कथा सुनानी, जजमान करता धरता तो सब भगवान ही है, कारणम कारणम करता विकर्ता गहनो गुहा, सब तो भगवान है, सबके मूल में ठाकुर निहित है। तो इस प्रकार 7 दिन तक कथा का अनुष्ठान करना चाहिए और फिर 7वें दिन वैष्णवों को भोजन कराना चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण की पुस्तक को स्वर्ण के सिंह के ऊपर रखकर और अथवा स्वर्ण खंड के ऊपर भागवत की पुस्तक को रखकर संकल्प पूर्वक विप्र को, आचार्य को दान करना चाहिए। ये सब अनुष्ठान की विधि का वर्णन किया और फिर इस प्रकार 6 अध्याय में श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म का वर्णन श्री वेद व्यास जी ने लिखा है, सूत जी ने सुनाया। ये महात्म पद्म पुराण के उत्तरखंड में है। इसके बाद श्रीमद् भागवत की जो मूल कथा है प्रथम स्कंद में जन्माद्यस्य यतः, इस श्लोक के द्वारा परम सत्य स्वरूप परमात्मा को प्रणाम किया, सत्यम परम धीमहि। भागवत परम धर्म का निरूपण करने वाला ग्रंथ है, यह उद्देश्य है वेदव्यास जी का, ये वेदव्यास जी ने स्पष्ट किया। धर्म प्रोज्जित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम, इस पुराण में मैं परम धर्म का वर्णन करूंगा, जो निर्मत्सर पुरुषों के द्वारा अनुष्ठीयमान धर्म है उस परम धर्म का मैं वर्णन करूंगा। और फिर सूत और शौनकादि मुनियों के संवाद से कथा प्रारंभ होती है। कथा के प्रारंभ में 6 प्रश्न होते हैं, शौनकादिकों ने 6 प्रश्न किया सूत जी से, उन्हीं प्रश्नों के उत्तर में सूत जी ने कथा सुनानी प्रारंभ की। वो 6 प्रश्न क्या है, बोले सबसे पहला प्रश्न यही है किम श्रेय, अभी श्रेय और प्रेय के विषय में मैंने बताया, श्रेय क्या है प्रेय क्या है। पहला प्रश्न सनकादिकों ने यही किया किम श्रेय, श्रेय क्या है, हम श्रेय जानना चाहते हैं, जब हम जान जाएंगे श्रेय क्या है तो हम उसका वर्णन करेंगे। और दूसरा प्रश्न शास्त्र सारह कह, समस्त शास्त्रों का सार क्या है, वेद पुराण में जो सब बातें कही गई, अनेक कथा कहानी उदाहरण विधान पूजन व्रत नियम, उन सब का सार क्या है, ये दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न स्वावतार प्रयोजनम, भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है, भगवान अवतार क्यों लेते हैं।
और चौथा प्रश्न किम कर्म, अवतार लेकर के भगवान कौन कौन से कर्म करते हैं, क्या करते हैं, क्या क्या किया भगवान। और पांचवा प्रश्न केवताराश्च, भगवान के कितने अवतार हुए। और छठवां प्रश्न धर्म कम शरणम गतः, जब भगवान अपनी लीला का संवरण करके चले जाते हैं तो ये धर्म किसकी शरण में जाता है। ये छह प्रश्न सौनक जी ने सूत जी से किया और इन्हीं छह प्रश्नों के उत्तर में सूत जी महाराज ने शौनकादि मुनियों को कथा सुनाई। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में इन्हीं छह प्रश्नों का उत्तर प्राप्त होता है और भी बहुत सारी शंकाओं का समाधान होता है, लेकिन मूलतः ये छह प्रश्न ही इस कथा के प्रारंभ के हेतु बनते हैं। और फिर सूत जी महाराज ने भगवान को प्रणाम किया, कथा का वर्णन करने लगे। सूत जी महाराज ने भगवान को प्रणाम करके अपने गुरुदेव को प्रणाम किया, सुखदेव जी को। यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। प्रथम श्लोक में उनको मुनि के रूप में अनुभव किया, मुनि मानतोष्णो। मुनि मतलब मंतारो वेद शास्त्रार्थ तत्वावगंतारो मुनय, जो वेद शास्त्र को मानते हैं, उसका मनन करते हैं और फिर उसका अपने जीवन में आचरण करते हैं, वो मुनि। ऐसे मुनि कौन है, बोले सुखदेव जी, उनको हम प्रणाम करते हैं। बोले तुम्हारे गुरु हैं इसलिए प्रणाम कर रहे हो। बोले वो सबका कल्याण करने वाले। बोले किसका कल्याण किया। बोले केवल राजा परीक्षित को कथा सुनाई और तुमको सुनाया। कहते हैं नहीं नहीं, संसारिणाम, समस्त संसार के प्राणियों के कल्याण के लिए। करुणयाह पुराण गुह्यम, समस्त संसार के प्राणियों के प्रति करुणा से भावित होकर जिन्होंने ये कथा सुनाई उन महामुनि को, तम व्यास सून, व्यास जी के पुत्र को मैं प्रणाम कर रहा हूं। ये व्यास पुत्र कहने का भाव क्या है, व्यास जी ने बड़ी तपस्या से इनको पाया है, सुखदेव जी। हाँ, व्यास जी महाराज ने भागवत की रचना जब कर ली, भागवत तैयार हो गई, तो व्यास जी सोचने लगे मैं किसको पढ़ाऊं, ऐसा योग्य पुत्र कोई हो। तो व्यास जी महाराज गए तप किए, हजारों वर्ष तप किया और तप करने पर कहते हैं तपस्या करने पर भगवान शंकर प्रसन्न हुए। भगवान शंकर ने कहा वर ब्रूही, वर मांगो। तो वेद व्यास जी ने कहा मैं चाहता हूं कि आप मेरे बेटा बन जाओ, आप मेरे पुत्र बन जाओ और मैंने जो ज्ञान सजो करके रखा है वो मैं तुम्हें पढ़ा दूं, मेरा जीवन धन्य हो जाए। भगवान शंकर ने कहा आप तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं, मैं पुत्र बन करके आऊंगा। तो तपस्या करके वेद व्यास जी ने भगवान शंकर को संतुष्ट करके पुत्र रूप में प्राप्त किया, वही सुखदेव जी, ऐसी भी कथा। तो महाराज इसीलिए कहते हैं तम व्यास सून, ये व्यास जी की तपस्या के मूर्तिमान फल है सुखदेव जी महाराज। तम व्यास सून मुपयामि गुरु मुनि नाम, और ये मुनियों के भी मुनि हैं, महान गुरु हैं। ऐसे सुखदेव जी के चरणों में सूत जी ने प्रणाम किया, नारायणम नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम, नर नारायण देवी सरस्वती साहब को प्रणाम करके, व्यास जी को प्रणाम करके कथा प्रारंभ की। ततो जय मुदीर, जय माने श्रीमद् भागवत महापुराण, इसी का नाम जय है। और महाभारत का नाम जय, 18 पुराण का नाम जय। जय इसका नाम क्यों है, बोले जय माने जयति, जो विजय को प्राप्त कर ले, जिस ग्रंथ को सुन करके माया पर विजय प्राप्त हो जाए, अविद्या पर विजय की प्राप्ति हो जाए, उसी का नाम जय। इसीलिए इसका नाम जय है। भागवत का एक नाम जय है, महाभारत का नाम जय है। ततो जय मुदीरये। अब इसके बाद सूत जी महाराज कथा का वर्णन करते हुए कहते हैं, देखो हे ऋषियों, तुम्हारे जीवन में जो भगवान की भक्ति है, इस भक्ति को, भक्ति माने प्रेम, लेकिन ये जब भगवान से जुड़ जाती है तब ये भगवत भक्ति होती है। जब तक भगवान से नहीं जुड़ी है, प्रेम तो सबके हृदय में, हमारा स्वरूप ही प्रेम का है, प्रेम करना हमारा स्वभाव है, लेकिन यही है कभी हम जड़ वस्तु से प्रेम करते हैं, कभी संसार की वस्तु से प्रेम करते हैं, अन्य से प्रेम करते हैं, लेकिन वही जब भगवान से हो तब वो भक्ति बन जाती है। इसीलिए सूत जी कहते हैं अपने प्रेम को, उस प्रेम की धारा को भगवान से जोड़ो, प्रेम ही भक्ति है। और जब भक्ति भगवान से जुड़ेगी
भगवान से जोड़ना क्या है? बोले अपनी भक्ति का भगवान से विवाह कर दो, भगवान से विवाह कर दो इसका। वासुदेवे भगवती भक्ति योव प्रयोजिता, इनको जोड़ दो। जोड़ना माने विवाह करना, जोड़ दो भक्ति को भगवान से। भक्ति मानो कन्या है, भगवान पति हैं। तो अपनी भक्ति को तुम भगवान से जोड़ दिए, ब्याह कर दिए, भक्ति का भगवान से विवाह हो गया। बोले अब विवाह हो गया तब क्या होगा? बोले विवाह के बाद क्या होता है? बोले बेटा बेटी पैदा होते हैं। क्या होते हैं? बेटा और बेटी पैदा होते हैं। तो भक्ति का जब भगवान से विवाह कर दिया तो भक्ति महारानी ने तुरंत पुत्र को जन्म दिया। महाराज सूत जी कहते हैं कि जनयत्यासु वैराग्यम जनयति, तुरंत आसु 9 महीने गर्भ नहीं धारण करना पड़ा। भक्ति का भगवान से विवाह किया, तुरंत भक्ति ने 2 बच्चे पैदा किए। कौन बच्चे पैदा हुए? बोले जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यदुहैतुकम, ज्ञान वैराग्य 2 पुत्र पैदा हो गए। अपने भक्ति का भगवान से विवाह कर दो, फिर वो भक्ति 2 बेटों को जन्म दे देगी। एक का नाम ज्ञान होगा, एक का नाम वैराग्य होगा। देखो बेटे पैदा होते हैं तो माँ पर जाते हैं चाहे बाप पे जाते हैं। बोले 2 बेटा पैदा भाई, एक माँ पे गया एक बाप पे गया। माँ पे कौन गया? बोले वैराग्य तो माँ पर गया, क्योंकि भक्ति वैराग्य मूला है, बिना वैराग्य के भक्ति नहीं होती। इसलिए वैराग्य जो बेटा है वो माँ के ऊपर गया। और ज्ञान? बोले बाप पर गया, क्यों? भगवान ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान अखंड एक सीतावर। तो भक्ति का भगवान से संयोजन कर देना, भक्ति भगवान से जुड़ गई, 2 पुत्र पैदा हो गए ज्ञान वैराग्य, और जीवन धन्य हो गया। और अगर ये नहीं हुआ तो जीवन भर तुमने जितना धर्म कर्म किया सब बेकार। धर्म स्वनिष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यह नोत्पादयेत यदि रतिम शमेव हि केवलम। इस प्रकार सूत जी महाराज ने भगवत भक्ति की महिमा बताई और इसके बाद भगवान के अनेक अवतार का संक्षिप्त वर्णन किया। अवतार का वर्णन करने के बाद श्रीमद् भागवत की रचना वेदव्यास जी ने कब की? द्वापर के अंत में नारद जी की प्रेरणा से वेदव्यास जी ने भागवत की रचना की। संक्षेप में नारद जी ने तत्व ज्ञान दिया, उस ज्ञान को सुनकर के वेदव्यास जी ने 18,000 श्लोकों में भागवत की रचना की, अपने पुत्र सुखदेव को पढ़ाया, फिर सुखदेव जी ने समय आने पर यह कथा राजा परीक्षित को सुनाई। राजा परीक्षित को कब सुनाई? बोले महाभारत युद्ध के बाद, जब महाभारत युद्ध समाप्त हो गया और पांडवों का राज्य हुआ, भगवान कृष्ण द्वारिका चले गए। भगवान कृष्ण ने द्वारिका में जाकर 125 वर्ष की लीला को पूर्ण करके भगवान ने जब निज धाम गमन किया तो भगवान के चले जाने पर पांडव भी पृथ्वी छोड़ करके चले गए और अपने पौत्र महाराज परीक्षित को राजा बना दिया। परीक्षित इस भूमंडल के एकमात्र छत्रपति सम्राट हुए, शासक हुए। और महाराज परीक्षित को जब ब्राह्मण का शाप हो गया तो परीक्षित सब कुछ छोड़ करके गंगा के तट पर चले गए और वहीं गंगा के तट पर महाराज परीक्षित को सुखदेव जी ने यह कथा सुनाई। अब कैसे सुनाई सुखदेव जी ने, इस विषय का वर्णन हम लोग कल श्रवण करेंगे। आज इतना ही शेष चर्चा कल के सत्र में। और 2 बातें यही हैं कि आप लोग समय के प्रतिबद्ध हों, समय से अपने सारे कार्य कर लें, तभी 7 दिन का आनंद होगा। समय से नाश्ता करने के लिए पहुंच जाएं, चाय लेने के लिए पहुंच जाएं और समय से भोजन कर लें तो सारी व्यवस्था व्यवस्थित रहेगी। ब्राह्मणों से भी निवेदन कि समय से प्रातःकालीन सत्र में पाठ का कार्यक्रम कर लें और कथा का कार्यक्रम भी शाम को समय से हो। सारा काम समय से होगा तो आप बहुत काम कर लेंगे, दर्शन भी कर लेंगे, घूम भी लेंगे, गोमती स्नान भी करेंगे, भजन भी करेंगे। और एक भी समय बिगड़ा आगे पीछे हुआ तो सब गड़बड़ हो जाएगा। जैसे शरीर में हम लोग शर्ट जो पहनते हैं, शर्ट में एक बटन अगर गलत लग जाए तो सब बटन अपने आप गलत लगती चली जाती, वो दूसरे में जाएगी, वो तीसरे में जाएगी। उसी तरह समय का बटन अगर फेल हुआ, एक समय का व्यतिक्रम हुआ तो सब काम आगे पीछे हो जाता है। तो इस प्रकार समय का ध्यान देते हुए और थोड़ी कठिनाई भी हो तो कठिनाई से घबराए न, क्योंकि तपस्या करने आए हैं। ये तपस्वियों की भूमि है, नैमिषारण्य है, यहाँ तो कथा का आनंद है, यही सबसे बड़ा सुख है। यही अनुभव करते हुए 6 दिन शेष बचे हैं, आज का दिन तो बीत ही गया। अब उस 6 दिन में हम लोग कितना अनुभव कर सकते हैं ये हमारे आपके ऊपर निर्भर करता है। तो बस इतना ही कहकर के वाणी को विराम, आइए भगवान नाम संकीर्तन कर लें, फिर भागवत जी की आरती। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।
श्रीमद्भागवत ज्ञान यज्ञ की, श्री सुखदेव भगवान की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री सूत जी महाराज की, गोमती गंगा की, चक्र तीर्थ की, श्री नैमिषारण्य तीर्थ की, सब संतन की, सब भक्तन की, अनंत कोटि वैष्णव की जय जय श्री राधे श्याम। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे। बोलो श्री गोविंद भगवान की जय। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान पान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान पान की। महापुराण भागवत निर्मल, सुख दुख विचलित निगम कल्प बल। परमानंद सुधारस मै कल, लीला रति रस हस निधान की। आरती अति पावन पुराण की, कलिमल मथन त्रिताप निवारणी, जन्म मृत्यु मय भव भय हारणी। सेवत सतत सकल सुख कारणी, सुमह सदि हरि चरित गान के। आरती अति पावन पुराण के, धर्म भक्ति विज्ञान कान के। विषय विलास विमोह विलासनी, विमल विराग विवेक विकासनी। भगवत तत्व रहस्य प्रकाशनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। परम हंस मुनि मन उल्लासनी, रसिक हृदय रस रास विलासनी। मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासनी, तथा किंचन प्रिय सुजान की। भक्ति अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। धर्म भक्ति विज्ञान खान की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आराधिक्यं समर्पयामि जय श्री कृष्ण। आरतिक्य ग्रहणं पुष्पै देवाभिवंदनं हरिः ओम। यत्नेन यत्नमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः, श्री कृष्ण चंद्राय नमः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्रीभाष्यकार रामानुस्वामी जी महाराज की, श्रीमद् जगद्गुरु स्वामी जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे।